Bismillah Rahman Rahim. Thank you very much for joining day 3 of SMB solution course. आप आज का जो एजेंडा है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. इससे पहले कि हम ट्रेनिंग का आगाज करें, आप में से अगर किसी ने पिछले 2 दिन में ट्रेनिंग में की अटेंडेंस मांगने की, तो उसका तरीका यह है कि आपकी स्क्रीन पे QR कोड आ रहा है धावा के लोगों के साथ. ठीक है, इसको आपने DH पार्टनर ऐप के जरिए स्कैन करना है, जैसे आप प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं. ठीक है, स्कैन करने के बाद ये आपको रिट्रैक्ट करेगा एक पेज के ऊपर, जिस पे लिखा होगा चेक इन. चेक इन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है. अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पर लिखा होगा ऑलरेडी चेक इन. ठीक है, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप DH पार्टनर ऐप का जो है ना अकाउंट बना के साइन अप करके और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है. इंशाल्लाह जो YouTube पे सुन रहे हैं हमें, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो भी अगर अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं तो वो इस तरह से मार्क कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके DH पार्टनर ऐप से. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह हम जो है 4 से 5 मिनट में आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे. वैद भाई अस्सलाम वालेकुम. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है 2 मिनट में आज की ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ कर सकते हैं और मैं स्क्रीन पे जो है स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूँ. अगर किसी ने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की तो वो इस पेज की जो है ना स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं. ठीक है जी वैद भाई, जी ठीक है. आप तकरीबन 1 से 2 मिनट में आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम अगर एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें और उससे आगाज करें आज के सेशन का. मेरी आवाज सब आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? जी जी लाउड एंड क्लियर. थैंक यू. और मेरी PPTs भी नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल ठीक है. ठीक ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबको खुश आमदीद. दावा की 3rd डे आज हमारी सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग है और आज का जो पहला हमारा मेरा टॉपिक है वो है दावा SMB स्मार्ट व्हीलर सॉल्यूशन.
छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादा हमारे दोस्त, ज्यादा हमारे भाई जो है ना, आजकल चूंकि कंस्ट्रक्शन काफी चल रही है, विलाज बन रहे हैं, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, तो लोग उस पर काफी काम भी कर रहे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ऑब्वियसली जो बंदा अपने घर पे मे बी 10 मिलियन लगाता है, उसके लिए शायद 100,000 या 200,000 अपने घर के ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम पे वो खुशी से लगाता भी है। तो अच्छा, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम देखेंगे आज के सॉल्यूशन के अंदर कि सॉल्यूशन का बैकग्राउंड क्या, क्या क्या चैलेंजेस थे हमें, मतलब अगर एक विला है तो उसको किस तरह, उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरह हम उसको डिजाइन कर सकते हैं उसके अंदर, और कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनको हम जो टेक्निकल कैपेबल हैं एक विला के अंदर लगाने के लिए, कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हों और जिनके अंदर जिससे हम लोग जो है ना जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर सकें जी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बैकग्राउंड की तरफ देखेंगे कि सबसे पहले कुछ हमारे हमें कुछ इश्यूज आते हैं, लाइक कई दफा आपकी जो है ना वो चाबी गुम हो जाती है कस्टमर की, बार बार उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो एंट्रेंस की जो चाबी है वो गुम हो गई। कई दफा उनको ये नहीं पता होता कि बाहर से किसी बंदे ने बेल बजाई और बेल बजा के चला गया, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि किस बंदे ने जो है ना वो बेल बजाई है और कौन सा बंदा आया था या विजिटर कौन सा आया था। इवन समटाइम कोई इंपॉर्टेंट कोरियर वाला आता है वो तो वहीं से बाहर से वापस चला जाता है। उसके बाद आपको दरवाजा ओपन करने में जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, और कहीं जब आपके घर में कोई एल्डरली लोग हो या कई दफा कोई मरीज हो, तो आपको इनडोर सिचुएशन जो है वो भी जरूरी होती है कि आपको पता चल सके कि आपके अंदर क्या, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है। आप कहीं घर से बाहर हैं तो आपको किसी रूम की जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो भी एक चैलेंज है जी, कि आपको वहां पे किस तरह बाहर पता चले कि घर के अंदर क्या हो रहा है जी। तो ये हमारे पास कुछ एक विला के अंदर चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स हैं नॉर्मल एक विला के अंदर। अब एक विला के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उसको देखें तो आपके पास बालकनी होगी, गैरेज होगा जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, फेंस है जो सब बाउंड्री वॉल होगी, स्विमिंग पूल आपके पास, गार्डन आ गया, लिविंग रूम आ गया, नर्सरी, एक्टिविटी रूम, चिल्ड्रन रूम और एंट्रेंसेज है हमारे पास। ये हमारे पास ओवरऑल एक पूरी जो सर्विलेंस करने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट जगह है वो ये जगह है जो इंपॉर्टेंट है जिनको हमें मॉनिटर करना होता है जी एक विला के अंदर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एंट्रेंस के ऊपर कि हम एंट्रेंस को किस तरह हम इजी बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वीडियो डोर फोन हमारा जो कि अवेलेबल भी है और बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया हुआ है। इसमें अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आउटडोर स्टेशन है, ये जो आपकी यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर सिस्टम मूव कर रहा है ये आउटडोर स्टेशन है और ये इनडोर स्टेशन है। आउटडोर स्टेशन के साथ हमारे इसके साथ कैमरा भी अटैच है, और जो ही कोई बंदा आता है और उसने आके प्रेस करना है तो आपको सबसे पहले तो अंदर कॉल भी आएगी, जो यहाँ पे आपको इसको वीडियो आ जाएगी, इस स्टेशन के ऊपर आपको वीडियो नजर आएगी और आप देख सकते हैं कि बाहर से कौन सा बंदा जो है ना वो आपको कॉल कर रहा है। अच्छा, अब इसी के साथ इसके अंदर बिल्ट इन रिले भी अवेलेबल है, ये एज ए एक्सेस कंट्रोल भी काम करता है ये जो डिवाइस है। इसके साथ आप रिले के साथ आप लॉक को भी लगा सकते हैं, उस लॉक को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं उसी जगह पे, और इस लॉक को ऑपरेट करने के लिए आप VTH के जो इंडोर स्टेशन है आप उस लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आया, उसने आके बेल बजाई, आपने वीडियो देखी उसकी, और अब आप चाह रहे हैं कि जो है ना वो मैं इसको दरवाजा ओपन करूं, तो आप जस्ट वन क्लिक के साथ जब VTH के थ्रू जो है ना वो आप इसको ओपन कर सकते हैं। इन एनी केस अगर आप घर में नहीं है और आप घर से बाहर हैं, तो एक क्योंकि हमारी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो वेब के ऊपर, आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको अवेलेबल रहती है, तो जो ही कोई बंदे ने कॉल की VTH के ऊपर, कॉल की कॉल आपने वहां से पिक नहीं की और कॉल आपके मोबाइल ऐप के ऊपर आपके पास ट्रांसफर हो गई, और आपने मोबाइल ऐप से ओपन करके देखा कौन सा बंदा बाहर आया हुआ, और अगर आप समझते हैं कि ये इसको अंदर, मतलब ये जरूरी है इसको अंदर दरवाजा खोलना, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी दरवाजे को अनलॉक कर सकते हैं। ये चूंकि बार बार जब भी हमने पहला चैलेंज किया कि चाबी गुम हो गई, तो ये उन चीजों उस चीज को भी जो है ना वो ओवरकम करता है। इसके साथ में इसकी इसी के साथ आप कार्ड भी यूज, जो एक्सेस कंट्रोल कार्ड है वो भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड पंच करेंगे तो आपका दरवाजा ओपन हो जाएगा। तो मल्टीपल हमारे इसके अंदर ऑप्शन है अनलॉकिंग के, कि आप इसके अंदर कार्ड यूज कर सकते हैं, अगर इंडोर अंदर बाहर से आप विजिटर मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। इसमें एक फीचर और बड़ा मजे का आता है, जो फॉर एग्जाम्पल के जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि कोई बंदा आया और वो आके आपको नहीं पता चला कि उस वो कौन सा बंदा आया हुआ था, फिर आप लोग घर में नहीं है और आपने आपके घर में कोई बंदा आया है और वो आके चला गया, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो आएगा, जो ही गेट के ऊपर आएगा तो अपना एक वीडियो मैसेज आपके लिए रिकॉर्ड करके छोड़ सकता है, कि जब आप वापस घर में आएंगे तो आप वीडियो मैसेज को प्ले करके चेक कर कि कौन सा बंदा आया था और किस किस वजह से आया हुआ था जी।
अब आउटडोर में हमारे पास जो सबसे पहली हमारे पास होता है जी, नॉर्मली एक विला के अंदर के आपके पास जो एरियाज सर्वेलेंस के लिए, जो 24/7 सर्वेलेंस के लिए जरूरी होते हैं, उनमें स्विमिंग पूल होता है, फेंस होती है, गार्डन होता है और गैराज, जो गैराज में गाड़ी खड़ी होती है, फेंस के ऊपर ऑब्वियसली फेंस तो एक नॉर्मल पैरामीटर के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। और स्विमिंग पूल इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वह घर के अंदर आपके साथ में आपके बच्चे भी होंगे, आपकी और भी पेट्स भी होंगे, तो आपको ये मॉनिटर करना होता है कि आया कोई बच्चा आपका स्विमिंग पूल में ना गिर जाए, या आपको कोई पेट जो है ना वो उसके उसको पानी को गंदा ना कर ले, तो वो आपको एक प्रॉपर उसकी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो अगर आप ये इस पिक्चर को, स्विमिंग पूल की पहली पिक्चर को देखें, तो इसकी जो सराउंडिंग में एक पैरामीटर प्रोटेक्शन की एक पूरा एरिया बनाया हुआ। तो चूंकि हमने आपको 2 दिन से पहले भी हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बता रहे थे कि हमारा जो पैरामीटर प्रोटेक्शन है या ट्रिप वायर है, हर एक सिनेरियो के अंदर उसकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो है ना, हम इस पूरे अगर स्विमिंग पूल को हमने कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि हमें कोई भी जो है ना बच्चा हमारा इस स्विमिंग पूल के करीब में जाए, तो हम उसके ऊपर प्रॉपर एक पैरामीटर प्रोटेक्शन का एक पूरा एरिया बना सकते हैं। और जो ही कोई इस एरिया को क्रॉस करेगा, आपको अलार्म जो है ना ऑडियोबल अलार्म आपको मोबाइल के ऊपर या आपके एनवीआर के ऊपर आपको रिसीव हो जाएगा। सेम इसी तरह आपकी ये अगर फेंस के ऊपर देखें तो ट्रिप वायर है, जो आपके अगर फाइनल कोई बंदा यहाँ से फ्लांगने की कोशिश करता है तो आप उसको यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर एक चीज इन दोनों एनालिटिक्स के लिए जो छोटी सी चीज जरूरी है वो है एंगल ऑफ योर कैमरा। आप जब भी डिजाइन कर रहे हैं इस चीज को, तो आप ये देखेंगे कि आप कौन से एंगल के ऊपर से इसको लगा रहे हैं और सामने जो आपकी सीन है वो कितनी क्लियर है जी। इस तरह आपका गार्डन आ गया जी, तो गार्डन में आप अगर हम चाह रहे होते हैं, नॉर्मल अक्सर होता है कि गार्डन के अंदर किसी लोग अलाउ नहीं करते कि यहाँ पे कोई आए, तो आप सेम वही पैरामीटर प्रोटेक्शन और ट्रिप वायर को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में जो कल हमने एक बात की थी एक्टिव डेटरेंस के वाले कैमराज, एक्टिव डेटरेंस वाले कैमराज वो कैमराज होते हैं कि जो ही उनके सामने मोशन होगा, एक तो वो आपको ऑडियबल वार्निंग भी जारी करें देंगे और साथ में उनकी जो लाइट होगी, व्हाइट लाइट होगी, वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। तो अगर कुछ एरियाज के अंदर, जिस तरह अभी ये स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे आप अगर पैरामीटर प्रोटेक्शन लगा रहे हैं और ये पैरामीटर प्रोटेक्शन आपका जो है ये आपका लगा हुआ है एक्टिव डिटरेंस कैमरा के ऊपर, तो आप ऑडियबल वार्निंग भी कर सकते हैं उसके ऊपर कि आप इससे आगे ना जाएं, या अपनी कस्टमाइज वॉइस के ऊपर भी अवेलेबल होंगे कुछ दिनों अंदर पाकिस्तान के अंदर, कि आप वो फीचर भी इसका यूज कर सकते हैं किसी विला सोल्यूशन के अंदर। और सबसे मजे की बात कि इनके लिए, इसके लिए जो है ना आपको जितना भी सारे अलार्म्स होंगे, वो सारे अलार्म आपको रिमोट अलार्म आपके मोबाइल के ऊपर जो है ना वो आपको मिल सकते हैं जी। अच्छा, टोटल ये देखिए, एक पूरा हमारे पास एक सर्वेलेंस सोल्यूशन है कि इसके अंदर अगर गेट के ऊपर मैं देखूँ तो हमारा वीटीओ आउटडोर स्टेशन आ गया, वीटीएच आ गया, और जो हमारे जितने भी सॉरी जितनी भी सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग के अंदर हमारे पास सर्वेलेंस कैमराज आ गए, और इनडोर में हमने किसी एक जगह के ऊपर यहाँ पर रिकॉर्डर कर लिया और उस रिकॉर्डिंग का व्यू दे दिया। इतना ही सिंपल सिंपल सिस्टम है अगर विला को देखें, लेकिन हमने कौन कौन सा पेरिफेरल यूज करने हैं ये इंपॉर्टेंट है जी। इसके अंदर ये एक जनरल सिस्टम आर्किटेक्चर है। इसके अंदर आप हमारे पास आप डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कैमराज आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास फुल कलर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो अभी हम आपका हमारी 1209 और 1509 एक बड़ी हमारी हॉट सीरीज है एनालॉग के अंदर, और 1239 हमारी आईपी के अंदर है, और ये अभी मार्केट में लो कॉस्ट में अवेलेबल है। जिस तरह इन्होंने शुरू में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंडोर स्टेशन जो हमारे पास, ये स्टेशन हमने शुरू में मैंने इंटरकॉम के लिए वीडीपी के लिए यूज बताया आपको, सेम लाइक टैबलेट होता है, वाईफाई कनेक्टेड भी होता है, इसमें वायर्ड भी है, वाईफाई कनेक्टेड भी है, और सबसे मजे की बात के अगर आप इसके ऊपर अपने कैमराज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक किसी का एक 2 कनाल का घर है, और वो गेट से जो वहां पे जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, तो एक तो नंबर वन वो ये देख सकता है कि गेट की आउटडोर स्टेशन की एक्टिविटीज के ऊपर देख सकता है, और नेक्स्ट उसके घर के अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं उनको भी व्यू कर सकता है अपने बेडरूम से होके, तो और रिमोटली अनलॉक भी इसको अपने कर सकता है। ये पूरा जो ऑपरेशन है वो आपका वीटीएच के थ्रू मॉनिटर हो सकता है, जो इंडोर आपका स्टेशन है। ये हमारे हाई एंड पैरामीटर कैमराज हैं, 5 सीरीज के अंदर कैमराज हैं, इसके अंदर अभी 3 सीरीज के अंदर भी जो कैमराज हैं वो आपके सेम एसएमडी और पैरामीटर प्रोटेक्शन के साथ अवेलेबल है जी।
पीछे बैक एंड पे आपका एनवीआर और मॉनिटर। यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको आप यहाँ पे 4 MP कैमरा यूज कर रहे हैं तो आपका मॉनिटर भी 4 MP जो रेजोल्यूशन है सपोर्टेड और वीजी सॉरी आपकी जो एचडीएमआई है वो भी आपकी 4 MP सपोर्टेड आपको साथ में डिजाइन करनी पड़ेगी ताकि आप उतना रिजल्ट ले सकें जो आपका कैमरा आपको आउटपुट दे रहा है जिसके ऊपर। ये कुछ मॉडल्स हैं जो अभी फिलहाल हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं सारे मॉडल, जिसमें अब आपके पास ये एक प्रॉपर अगर आप एक बड़े सिनेरियो के अंदर जा रहे हैं वीडियो डोर फोन के अंदर तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप में से किसी बंदे को इसकी डिटेल चाहिए तो मैं आपको उसकी पूरी डाटा शीट या पूरा आपको दे सकता हूँ। तो ये इस मॉडल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड मॉडल अवेलेबल हैं और VTH के अंदर भी डिफरेंट जो है ना वो मॉडल्स अवेलेबल हैं आपके पास। एक और चीज छोटी सी मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूं कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के मल्टीपल गेयर्स हैं, 3 से 4 गेयर हैं और वो चाह रहा है कि इनडोर में जो VTH है वो एक ही हो जी, तो ये पॉसिबल है कि अगर आपके आउटडोर में आपके पास 2-3 डिफरेंट गेयर हैं और आपके पास इंटरनल जो है ना वो एक ही आप यूज करना चाह रहे हैं टैब टैब अपना, तो आप ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आपके पास फ्रंट गेट एक है और आपके पास जो इंडोर में 2 से 3 डिफरेंट फ्लोर्स हैं और बंदा चाह रहा है कि आउटडोर स्टेशन एक हो बट इनडोर में मल्टीपल स्टेशन हो, तो ये भी आप डिफरेंट आप इस सिनेरियो के अंदर यूज कर सकते हैं जी। तो नीचे एक एग्जाम कैमरा का मॉडल दिया जो 5 सीरीज का कैमरा है, ये हमारे हाई एंड प्रोफेशनल कैमराज है जिनके अंदर FD फेस डिटेक्शन भी अवेलेबल होता है। और यही अगर आपने FD नहीं यूज करना और सिंपल पैरामीटर प्रोटेक्शन और मोशन डिटेक्शन यूज करना है तो उसके लिए ये 3 सीरीज का कैमराज भी जो थोड़ी लिटिल बिट कॉस्ट में हमारे पास कम है ये भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। और इसके साथ आपके पास यहाँ पे 4 सीरीज जो कि हमारी इकोनॉमिकल सीरीज है तो 4 सीरीज में और ये अप टू 8 MP रेजोल्यूशन भी आपकी सपोर्ट करती है, तो ये भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है 16 चैनल के साथ, 32 चैनल और इवन के 8 चैनल के साथ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है माइक पर हैंड रेस करके माइक पर आके पूछ सकता है, अगर यूट्यूब पे किसी का सवाल है तो कमेंट में या चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। यू बैद भाई, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा ये है कि मैं उबैद की बात को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि नासिर भाई का जो अपार्टमेंट वाला सोल्यूशन है उसके लिए भी उसमें हेल्प हो जाएगी। और मैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। सबको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? ओके। हमने बात की VTO, यानी हम इस चीज को कहते हैं कि ये आउटडोर यूनिट है, इंटरकॉम का आउटडोर यूनिट, ठीक है। और VTH इज इक्वल टू ये है इनडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में मतलब कि टैबलेट जो हमें दिया जाता है 6 इंच 7 इंच 10 इंच तक का मॉडल अवेलेबल है, ठीक है। और वीडियो यानी आउटडोर पे जो बेल लगेगी, जिसको वो बटन दबाएगा तो वो कॉल आएगी। हवा का मतलब कि जो इसमें जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उसमें आपको पता है कॉमिक्स है और इसके अलावा पैनासोनिक है, इनमें इनकी प्राइसिंग जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर हम विला की बात करें तो एक विला वाला जो है एक चीज देखता कि जो है इसमें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या है और दूसरा ये कि कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस आपको मिले। तो धावा में आपको क्या क्या फंक्शंस मिलेंगे इसी वीडियो इंटरकॉम के अंदर जो हमने जो आपको उबैद भाई ने अभी बताए हैं? सबसे पहला हम देखते हैं VTO के अंदर क्या क्या फंक्शन है। VTO कैन वर्क एज नॉर्मल IPC कैमरा विद बिल्ट इन माइक। आप इसी VTO को जो है किसी भी NVR में एज IP कैम रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपके घर के बाहर जो जो डिवाइस लगी है उसका जो कैमरा है वो 24/7 और रिकॉर्डिंग भी करता रहेगा विद माइक है इसका, ठीक है। तो जो है ये 24/7 और रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है कि क्या बात हो रही है, किसके लिए दरवाजा खोला जा रहा है। तो आप इसको अगर आपके घर में NVR या DVR दोनों में से किसी पे भी आप इस IP कैमरे को विद बिल्ट इन माइक रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो उबैद भाई ने आपको मॉडल जो प्रेजेंटेशन में दिखाया है, अगर आप किट की सूरत में लेना चाहते हैं तो यह है KTP02। KTP02 बड़ी हॉट ये है और अभी जो है मार्केट में बहुत बहुत कम लिमिटेड पीसेस रह गए, लेकिन जो है ह्यूज स्टॉक आ रहा है पाकिस्तान में। इन अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल आपको अवेलेबल हो जाएगा।
तो KTP02 में जो है क्या फंक्शन है, इसमें जो है ना आप जब इस डब्बे को खोलेंगे तो इसमें एक VT होगा, एक आपका VTH होगा और एक PoE स्विच भी होगा। ये जो दोनों डिवाइसेस हैं VTO और VTH, ये जो है आपके पास दोनों डिवाइसेस पी होंगी, तो PoE होगी, तो आपको पावर कनेक्शंस के बारे में भी वरी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, पहला फंक्शन इसको IP कैमरे के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। दूसरा फंक्शन, इसी VTO को हम नॉर्मल टू वे टॉक इंटरकॉम के लिए यूज करते हैं। टू वे टॉक के साथ है ये इंटरकॉम, इंटरकॉम विद वन डोर कंट्रोल, डोर कंट्रोल भी है इसमें। आपका यानी दरवाजे पे कोई आया हुआ है तो आप अंदर VTH से कमांड देंगे तो आपका डोर अनलॉक हो सकता है। तीसरे नंबर पे, इसी VTO के अंदर जो आपको मिल रही है, इसके अंदर बिल्ट इन जो है एक्सेस कंट्रोल भी अवेलेबल है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है, ये माई फेयर कार्ड वाला एक्सेस कंट्रोल है। माई फेयर कार्ड जो होता है 13.56 जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो ये VTO जो है एज अ एक्सेस कंट्रोल भी काम कर सकता है, और इसमें 10,000 माई फेयर कार्ड जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ घरों तक लिमिटेड नहीं, आप डेटा सेंटर्स में भी लगा सकते हैं। अभी क्या होता है डेटा सेंटर में कि आपके बाहर एक्सेस कंट्रोल लगा होता है तो उसपे कोई बंदा टैप करता है तो वो अंदर आ जाता है। अगर किसी के कोई विजिटर आया तो उसको नॉक करना पड़ता है डोर को। ठीक है, तो अगर ये डिवाइस लगी होगी तो क्या होगा कि आपके डोर के ऊपर जो है बेल आ जाएगी। बेल जो है वो कस्टमर जो है अंदर बजाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास कॉल जनरेट होगी अंदर, और वो वीडियो पे देख सकता है कि ये बंदा कौन है, उससे पूछ सकता है किससे मिलना है। अगर दरवाजा खोलना है तो आप उसको वहीं से कमांड दोगे और जो है दरवाजा खुल जाएगा। और अगर जो स्टाफ के लोग हैं उनके पास कार्ड होगा, कार्ड वो टैप करते जाएंगे और कार्ड जो है जैसे टैप करेंगे तो आपके पास जो है वो दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, चौथा फंक्शन ये है कि बाजू का ये भी तो होता है ना कि आप बेल बजाते हो घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है, तो ये वीडियो जो है आप मोबाइल कॉलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आपका जो है ना वीडियो जो है P2P पे ऑनलाइन करके पार्टनर ऐप के जरिए जो है ना हम जो हमारी जो ऐप है GTMSS प्लस या और DMSS जो है, ये दो ऐप्स जो है आप यूज कर सकते हैं मोबाइल कॉलिंग के लिए। तो ये हमारे फंक्शंस हैं कुछ जो कि हमें हेल्प आउट कर सकते हैं एक विला सॉल्यूशन के अंदर, या अपार्टमेंट के बाहर अगर अपार्टमेंट सॉल्यूशन भी है तो उसके बाहर जो वीडियो है उसमें भी ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि VTH के अंदर जो इंडोर यूनिट ले रहे हैं आप, जो इसी बॉक्स के साथ आ रही है VTH डिवाइस, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट नॉर्मल इंटरकॉम के रिसीविंग एंड है, नॉर्मल इंटरकॉम टू वे टॉक के साथ जो है ये नॉर्मल इंटरकॉम के तौर पे काम कर सकते हैं। बाहर से जो है ना कॉल रिसीव करेगा और जो है डोर को जो है अनलॉक की कमांड भी दे सकता है। ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे क्या फंक्शन है इसका, दूसरे नंबर पे ये फंक्शन है कि जो है ना आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी ये भी होता है ना कि आपके जो है ना घर के जो है ना मल्टीपल रूम्स हैं। आप कहते हो यार कभी मैं इधर बैठा होता हूँ या कभी मैं दूसरे रूम में बैठा हूँ तो मुझे चल के आना पड़ता है इस इंटरकॉम को आंसर करने के लिए, कॉल या बेल को आंसर करने के लिए। तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप 3 फ्लोर हैं आपके घर के और आप कभी जो है किसी फ्लोर पे होते हो कभी किसी फ्लोर पे होते हो, तो आप क्या कर सकते हो इसको जो है एक्सटेंशन मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है। एक्सटेंशन मोड, आप इसके साथ 3 एक्सटेंशंस प्लस एक मास्टर, यानी एक मास्टर जो होगी प्राइमरी होगी उसके साथ 3 एक्सटेंशन डिवाइसेस, अगर आप 3 टैबलेट्स मजीद परचेज करते हैं सेपरेट तो वो भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, और तीनों के ऊपर एट अ टाइम कॉल होगी और तीनों आपस में भी बात कर सकते, चारों आपस में भी बात कर सकते हैं और एक बाहर वाली डिवाइस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहां से डोर को अनलॉक की कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका बड़ा फंक्शन है वो ये कि घरों में आपके IP कैमरास लगे होते हैं या DVRs लगे होते हैं या NVRs लगे होते हैं ना, तो आप जो है क्या कर सकते हो कि इस टैबलेट के ऊपर जो VTH जिस डिवाइस को हम कह रहे हैं इसके ऊपर 32 कैमरास का व्यू भी ले सकते हैं। व्यू मतलब कि मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन भी बन जाता है ये। ठीक है, तो मॉनिटरिंग स्टेशन भी है ये।
अब मॉनिटरिंग स्टेशन क्या होता है कि जो है ना आपके जो है ना घरों में जो एनवीआर लगे होते हैं वो ज्यादातर हॉल्स में लगा होता है या लॉबीज में लगा होता है या बेडरूम में लगा होता है। ये टेबलेट जो है आपकी बेडरूम में लगी होगी, ठीक है, तो आपको एनवीआर तक उठ के जाने की जरूरत नहीं है। 32 कैमरों की यहाँ से वन बाय वन, ये याद रखना, वन बाय वन जो है आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक एक कैमरे को आप जो है स्क्रोल डाउन करके देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके अंदर 8 GB का SD कार्ड भी है, अगर आप कोई देखते हैं कोई इवेंट हो रहा है तो आप उसको मैनुअल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मैनुअल रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक ये फंक्शन भी है, प्लस इसको मैं कर रहा हूँ कि आपके जो है ना घर के बाहर बेल होती है और अंदर भी कोई नहीं है और आपके मोबाइल पे भी किसी ने जवाब नहीं दिया, मोबाइल पे भी कॉल को रिसीव नहीं किया, अब क्या होगा कि इसके 8 GB के SD कार्ड में वॉइस मेल जैसे कंसेप्ट होता था, वॉइस मेल विद वीडियो, ये मैसेज रिकॉर्ड होके आपके SD कार्ड के अंदर सेव हो जाएगा। और जब आप घर रहेंगे तो लिखा हुआ आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे वन न्यू मैसेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो है ना वीडियो प्ले हो जाएगी। और जो है वो जो है जैसे होता है कि मैं सर आपके घर आया था आप मौजूद नहीं थे, तो जब आप घर पे हैं तो मुझे कॉल बैक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह का मैसेज जो है आपको वीडियो के साथ, ऑडियो और वीडियो के साथ वो रिकॉर्डेड मैसेज आपको मिल जाएगा। इसका लास्ट जो मेन फंक्शन है वो ये है कि आपके घरों में जो वायर्ड सेंसर लगे होते हैं, वायर्ड सेंसर्स कौन से होते हैं, PIR सेंसर हो सकता है, वो मोशन सेंसर हो सकता है, वो आपका डोर सेंसर हो सकता है, वो फ्लड सेंसर हो सकता है, वो फायर सेंसर हो सकता है, इस तरह के जो भी वायर्ड सेंसर है, वाईफाई सेंसर नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है आप क्या कर सकते हो, आप VTH के साथ जो है ना, VTH के साथ मैं अगर जो है ना ऊपर वाला रिमूव कर दूं तो मैं इसको, आप जो है वायर्ड सेंसर VTH के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो है 6 inputs है इसके अंदर, यानी 6 zone का अलार्म कंट्रोलर भी बन जाता है और एक आउटपुट है सायरन लगा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ वायर्ड सेंसर है और थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, क्योंकि रिले ट्रिगर भी हो सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी सेंसर्स भी हो सकते हैं, धावा के सेंसर भी हो सकते हैं, धावा वायर्ड सेंसर्स, लेकिन वायर्ड सेंसर सपोर्टेड है, ठीक है। 6 inputs हैं और एक आउटपुट है, तो 6 zone का जो है ना हम इसको बना सकते हैं। और इसके अंदर आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप जैसे अलार्म कंट्रोलर आपको लगाना पड़ता था उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कुछ के, जो है आप घर में मौजूद है, आप घर में अगर मौजूद है, अगर आप घर में मौजूद है तो आप क्या कर सकते हो कि जो है उसको डिसआर्म कर सकते हो सारे सेंसर को वन क्लिक में। इसी तरह घर में हो तो घर से बाहर जा रहे हो तो आर्म कर सकते हो, अवे, स्लीप मोड, ये सारे मोड जैसे कंट्रोलर में होते हैं वो सारे मोड इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप इसको कंट्रोलर के जरिए इसी VTH को 6 zone का सेंसर कंट्रोलर यानी अलार्म कंट्रोलर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस थे VTO और VTH के। नहीं, फेस डिटेक्शन नहीं है इसके अंदर VTO के अंदर, लेकिन आप ये कर सकते हो कि अगर इसी VTO को AI NVR के साथ ऐड कर दिया जाए, तो ये नॉर्मल IP कैमरा भी मैंने कहा है कि ऐड हो सकता है, तो उसके ऊपर जो है आप फेस डिटेक्शन यानी या फेस रिकग्निशन के घर के बाहर जो है अगर रिकग्निशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं तो दरवाजा खुल जाए, जैसे ही कैमरे के बंदा सामने आए रिकग्नाइज हो NVR के थ्रू और रिले ट्रिगर हो जाए VTO की, तो ये भी किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना इसके बेनिफिट्स हैं, और जो है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में, जो हमारा एनालॉग का होता है उसके अंदर सिर्फ वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। IP जब आप लेंगे तो उसके अंदर ये फंक्शंस जो मैंने अभी बताया है, 4 फंक्शन मैंने वीडियो के बताया, 4 फंक्शन मैंने VTH के, ये हाईलाइटेड है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं, मतलब कि नॉर्मल इंटरकॉम में जैसे होते हैं बाकी ब्रांड्स में, ये हाईलाइटेड फंक्शन है, इनको हम कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान में डिमांड है क्योंकि वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही है, अपार्टमेंट्स नए बन रहे हैं, और जो है इसके अंदर जो है हमारे पास जो रियल स्टेट का बिजनेस है वो बूम पे है इस वक्त, तो इसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आने वाली है और हो भी रही है। इसमें हमारे पास काफी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग में कराची में हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया क्रीक विस्टा का, और उसके बाद जो है उसमें हमने 700 अपार्टमेंट्स का सोल्यूशन दिया, नासिर भाई उसकी डिटेल आपको बताएंगे कि क्या हमने किया उसके अंदर। उसके अलावा अस्करी 11 है, वहां पे हमने लिफ्ट्स के अंदर जो है ये वीडियो इंटरकॉम
जो है इमरजेंसी सिस्टम के तौर पे हमने लगाई है कि उसमें वीडियोस लगाई है और जो कंट्रोल रूम में वीटीएच है, अगर कोई इमरजेंसी में लिफ्ट में फंस जाता है, वैसे लिफ्ट में इंटरकॉम अपना भी होता है लेकिन कुछ लिफ्ट्स के जो है ना इंटरकॉम सिस्टम बहुत महंगा होता है, अगर लिफ्ट का सेपरेट लगाए तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसकी एप्लीकेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अब मैं नासिर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पर आए और अपनी प्रेजेंटेशन के साथ हमें ब्रीफिंग दें उसके ऊपर। थैंक यू। उम्मीद है कि जो है वीटीओ और वीटीएच जो हमारा इंटरकॉम सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है नासिर भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वैद भाई। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अपार्टमेंट सॉल्यूशन। तो अपार्टमेंट सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली वर्टिकल बिल्डिंग्स को हम लोग देखेंगे। वर्टिकल बिल्डिंग्स जो है वो फ्यूचर है, वो ट्रेंड भी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जहाँ पर जगह का बहुत ज़्यादा मसला होता है, आप बड़े एरियाज पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, तो अब जो नया ट्रेंड चल रहा है वो वर्टिकल बिल्डिंग्स का चल रहा है। कराची में तो ऑलरेडी बहुत टाइम से है, लेकिन दूसरे सिटीज़ में भी अब लाहौर या फैसलाबाद दूसरे सिटीज़ के अंदर भी अब वर्टिकल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वर्टिकल बिल्डिंग जो है उसको कवर करने के लिए जो हमारे चैलेंजेस होते हैं कि हम उसके ऊपर सर्वेलेंस और जो है आपका इंटरकॉम सिस्टम, उसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो बेसिकली हम वो चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। पहले सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कि वो आपका जो विजिटर मैनेजमेंट का है, जो हम लोग लास्ट टाइम रेजिडेंशियल में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एंट्रिंग मोड डिफिकल्ट होना, मिसाल के तौर पे कोई शख्स आता है और वो अपना पासवर्ड भूल जाता है या माई फेयर कार्ड की एंट्रेंस है वो भूल जाता है, तो क्या किया जा सकता है। या बाज़ औक़ात आपकी वेदर अच्छा नहीं है तो आपके फिंगर सेंसर काम नहीं कर रहा, या फिर क्या कहते हैं आपकी दूसरी डिवाइसेस काम नहीं कर रही, तो क्या किया जा सकता है, तो वो शख्स कैसे एंटर होगा। तो इस तरह की बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको हैंडल करने के लिए जो है हमारा सॉल्यूशन है। उसके अलावा कोई घर पर मौजूद नहीं है तब क्या होगा, उसके बारे में तो खैर आपको डिटेल से उबैद भाई ने भी बताया है कि हमारा जो वीडियो इंटरकॉम सिस्टम है उसके अंदर रिमोट कॉलिंग भी है, और आपकी जो है सर्विलेंस और सर्विसेज को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। क्योंकि जब आपका अपार्टमेंट का सोल्यूशन होता है तो जो अपार्टमेंट ऑनर कंपनी होती है उसके लिए रहने वाले क्लाइंट्स होते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बेटर करना और उनको अच्छी मतलब लग्जरियस जब अपार्टमेंट्स होते हैं तो उनको सर्विसेज के मामले में भी उस लेवल पे रखने के लिए जो है उस तरह का सोल्यूशन चाहिए होता है। तो सोल्यूशन की हम सबसे पहले सिनेरियो देखते हैं। अब देखें सॉल्यूशन सिनेरियो में ये क्या कहते हैं बिल्डिंग्स, एक मिनट सॉरी इसको मिनिमाइज करो। अच्छा, तो बिल्डिंग के अंदर बेसिकली गार्डन एक नॉर्मल अपार्टमेंट सॉल्यूशन के अंदर, जैसे आपका फेंस होता है, फेंस के अंदर आपका पब्लिक एरिया होता है, वो गार्डन भी हो सकता है, वो गार्डन नहीं भी हो सकता। उसके अलावा पार्किंग लॉट, सीसीटीवी सेंटर, इसमें से कुछ चीज़ें हैं शायद वो कुछ अपार्टमेंट के सिनेरियो में मौजूद ना हो, तो हम उस हिसाब से अपना सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं एक्चुअल सिनेरियो के हिसाब से। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो आपके अपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, पैरामीटर, लॉबी एरियाज, कॉरिडोर्स, पार्किंग, गार्डन, और आपका जो कंसर्ट रूम मतलब रिसेप्शन या सिक्योरिटी का रूम जो है वो भी अवेलेबल होता है। तो इस सिनेरियोज के ऊपर हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले एंट्रेंस वाला मामला है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन केस अगर कोई जो है वो रेजिडेंट अपना कार्ड भूल जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, तब क्या किया जा सकता है। तब तो बहुत इशू बन जाता है, और कॉल करना रिसेप्शन को, फिर उसको प्रूफ करना, फिर गेट खोलना, तो इस तरह का मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम वीडियो यूज़ कर सकते हैं जो फेस को सपोर्ट करता हो, यानी फेस रिकग्निशन के थ्रू जो है वो आप एंटर कर जाएं। हमारी वीडियो की डिवाइस है 7541G, तो ये जो है इसके अंदर 10,000 फिंगरप्रिंट्स, 10,000 माई फेयर कार्ड प्लस तकरीबन 20,000 फेस जो है डेटा हम लोग स्टोर करके, और
इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं एज एक्सेस कंट्रोल, और वीटीओ विजिटर के लिए ये मतलब कॉलिंग विजिटर जो है वो कॉल करेगा, और हमारा मास्टर स्टेशन लगा होगा आपके रिसेप्शन के रूम में, तो वहाँ से वो सिक्योरिटी के लोग उसको रिसीव करके और कंफर्म करेंगे रेजिडेंट को कि आया ये आपका जो है जो आपसे मिलने आया है इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो 7541G जो है वो उसको हम फेंस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है इनकन्वीनियंस पासवर्ड भूलने की या कार्ड भूलने की उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। और सबसे जो मेन चीज़ है कि आजकल के दौर में जब जो है वो कोविड का है तो आपको थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप, आपकी आवाज जरा थोड़ी लो है। अच्छा, तो आज के ज़माने में जैसे क्या कहते हैं टचलेस एंट्री के लिए आप 7541G का फेस के थ्रू एंट्री यूज़ करेंगे तो आपकी जो एंट्रीस है वो भी टचलेस हो जाएगी, जो कि आजकल के सिनेरियो में इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका ह्यूमन इंट्रेंस मतलब आपकी जो विजिटिंग इंट्रेंस है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो एज ए मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर स्टेशन जिसका ये यहाँ पे VTS 5240B, ये मास्टर स्टेशन जो है वो कंसर्ट रूम या आपके रिसेप्शन के रूम में अवेलेबल होगा। तो ये विजिटर आया, इसने कॉल किया, कॉल जो है यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ने उठाई, उसने उनसे पूरी डिटेल ले के कन्फर्म पूछा कि आपको कहाँ जाना है, फिर उसके बाद इन्होंने कॉल की जो भी VTH मतलब जो भी रूम नंबर था उसके ऊपर कॉल की, अगर वहाँ रिसीव नहीं हुई तो इन्होंने ये कॉल जो है वो उसके मोबाइल ऐप पे जो है वो फॉरवर्ड कर दी। तो इस तरह जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू जो रेजिडेंट है उसने चेक किया कि ये विजिटर को मैं अलाउ करूँ या ना करूँ, और अगर उसने अलाउ करना हुआ तो वो उसको अनलॉक करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है सिक्योरिटी रूम या कंसर्ट रूम जो मेन रूम होता है जहाँ पर जो भी विजिटर आता है आपका डिटेल के लिए तो उससे डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हम ऑडियो वाला कैमरा रिकमेंड करते हैं। क्यों ऑडियो वाला कैमरा रिकमेंड करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिडेंट हैं वो एक्चुअली आपकी जो अपार्टमेंट के हैं वो एक तरह से क्लाइंट होते हैं, और जो आपका सर्विस की टीम होती है जो रिसेप्शन की टीम या सिक्योरिटी की टीम होती है तो उसका और आपके कन्वर्जेशन के दरमियान अगर कोई इशू आया है तो वो ऑडियो लेवल पर उसका रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि आपको डिसाइड करने में जो है वो आसानी हो कि गलती किसकी है और क्या एक्शन लेना चाहिए। तो हम इसके लिए ऑडियो वाला कैमरा रिकमेंड करते हैं 5241TMAS, और यहाँ पर इसी जगह पर आपका मास्टर स्टेशन भी अवेलेबल होगा, क्योंकि अगर विजिटर यहाँ तक आता है तो मतलब आप कॉल फॉरवर्ड यहाँ से करते हैं और कंफर्म करके आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, या भी आप फेंस पे भी विजिटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया मास्टर स्टेशन। अच्छा, पैरामीटर प्रोटेक्शन तो आई थिंक 5 से 6 दफ़ा डिस्कस हो चुका है हर सिनेरियो में, तो यहाँ भी वही एप्लीकेशन है इसकी कि आप फेंस के ऊपर एक्टिव डिटेरेंस कैमरा लगा लें, और इसके अंदर क्योंकि ये AI कैमरा है तो इसके अंदर SMD का फीचर होगा, तो आपकी जो फॉल्स अलार्मिंग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, और कोई भी इवेंट एक्टिव डिटेरेंस कैमरा होने की वजह से जो है वो आप होते वक्त उसको जो है टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आपका गार्डन एरिया आता है, गार्डन एरिया थोड़ा बड़ा एरिया होता है, तो अगर आप फिक्स कैमरास के ऊपर जाते हैं या फिक्स कैमरा के सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कैमरास भी लगाना पड़ेंगे, फिर भी आपको कुछ ब्लाइंड एरिया का जो है वो इशू रहेगा, तो उसके लिए बेटर है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप PTZ यूज़ कर लें, और PTZ हमारा ये मॉडल है 8A240W है, ये जो है AI है और इसकी जो IR रेंज है वो 500 मीटर है, जो कि अच्छी खासी है, मतलब आपके गार्डन एरिया के लिए इनफ है, तो नाइट में भी ये जो है 500 मीटर तक दिखा सकता है, 20x इसका जो है वो क्या कहते हैं 40x इसका ऑप्टिकल जूम है, उसके अलावा इसके अंदर FR है, FD है, और आप NVR के थ्रू FR भी कर सकते हैं इसके ऊपर, और आउटडोर सिनेरियो के लिए ये बेस्ट कैमरा है, और आप जो है बहुत बड़ा एरिया इसके थ्रू करेंगे, और दूसरा ये है कि कंट्रोल रूम के अंदर आप लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और जूम वगैरह सब कुछ जो है वो उसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सर अब आ गया रूम के ऊपर, रूम के अंदर आपका जो मेन यूनिट लगता है वो VTH होता है, तो VTH आप
आपको जब भी कॉल की जाएगी, चाहे लॉबी के वीटीओ से कॉल की जाए, चाहे फैंस के वीटीओ से कॉल की जाए, तो आपके वीटीएच पे आएगी। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो जो है आपके मोबाइल ऐप पे जाएगी। अगर आप तब भी अवेलेबल नहीं है, आप मोबाइल ऐप पे भी रिसीव नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं, आपका विजिटर जो है वो आपके लिए मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकता है, और वो मैसेज आप बाद में आकर उसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल तो आपको ऑलरेडी उबैद भाई ने भी बताई है, इसके हमारी किट के अंदर जो वीटीएच है वो भी ये सपोर्ट करता है। अच्छा, वीटीएच का एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जैसे आपके अपार्टमेंट के अंदर 4 से 5 रूम है या 4 रूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सटेंशन बना के सब रूम्स में लगाते हैं, तो आप इंटर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी 2 VTH आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप दूसरे रूम वाले से आपको बात करनी है, आप जो है VTH के थ्रू ही दूसरे VTH पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अच्छा, ये CCTV सेंटर या कंट्रोल रूम, और कंट्रोल रूम के अंदर हमारी जो डिवाइसेस यूज होंगी वो एक DSS 4004S2 है, 5i NVR है, ये तो कैमरास के लिए, कैमरास जो है AI कैमरास को या आपने यूज़ करना है तो उसके लिए, और ये हमारा एक्सेस कंट्रोल है, तो इसको ये तो फिंगर है, थोड़ा ओल्ड है, तो आज के दौर में हम जो है वो फेस टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, DSS यहाँ पर जो 4004 यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 256 चैनल के कैमराज यानी ऐड कर सकते हैं। तो 256 चैनल एक अपार्टमेंट सॉल्यूशन के लिए बहुत इनफ है, मतलब आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उसके बाद आपकी जो डिवाइसेस हैं इंटरकॉम डिवाइसेस, वो आप इसके अंदर 1000+ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 1000+ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें वीडियो जो है वो आप मैक्सिमम 64 ऐड कर सकते हैं। ये VTH और VTO मिला के जो है वो 1000+ है, तो आपके VTO जो है मैक्सिमम 64 ऐड हो सकते हैं, VTH जो है आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 512 डोर्स जो है वो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इसके क्लाइंट जो है वो 10 क्लाइंट यूज कर सकते हैं, मतलब आपको डिफरेंट जगह एक्सेस देनी है तो आप इसके वेब क्लाइंट एप्लीकेशन 10 जगह यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि VDP जो है वो आप इसके अंदर 2000 के करीब जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब एक्सेस दे सकते हैं, प्लस जो है वो आप एट अ टाइम 200 ऑनलाइन डिवाइसेस हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर ऑन मोबाइल ऐप DSS की। तो ये बेसिक आपके कंपोनेंट हैं जो आपके कंट्रोल रूम में यूज होंगे, और सारे सिनेरियो को यहीं पर कंट्रोल किया जाएगा। 5i सीरीज NVR के बारे में ऑलरेडी हम सब सॉल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हम नॉर्मल कैमरे के थ्रू FR अचीव करवा सकते हैं, और दूसरे AI फंक्शंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं इस NVR के अंदर। उसके बाद मेन एरियाज आगे एलिवेटर का एरिया है, लॉबी है, और आपका पार्किंग एरिया है। तो सबसे पहले आपकी जो एलिवेटर की लॉबी है उसको कवर करने के लिए हमारा रिकमेंडेड प्रोडक्ट जो है वो ये वेंडल प्रूफ कैमरा है। उसके अलावा इसमें बिल्ट इन माइक भी होता है, क्योंकि ये छोटा सा एरिया होता है, अगर कोई भी इवेंट आपको यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि मतलब पब्लिक गोइंग है, कोई प्राइवेट जगह नहीं होती, तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं विद वॉइस, तो किसी भी इवेंट होने की सूरत में जो है वो आपके पास एक बेहतर जो है वो एविडेंस मौजूद होगा। उसके बाद आपका एलिवेटर है, एलिवेटर सॉल्यूशन हम ऑलरेडी काफ़ी जगह बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके अंदर आप हमारी तरफ, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एलिवेटर के लिए हम क्या सॉल्यूशन दें, तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वायरलेस यूज़ कर लें, वो क्योंकि बेहतर इसलिए रहता है कि आपकी जो वायर है Cat6 नॉर्मल या फिर दूसरी भी जो कुछ उसकी दूसरी शेप में भी आती हैं, वो एक अब मुसलसल जो है वो लिफ्ट के ऊपर नीचे होने की वजह से उसमें कुछ अरसे बाद ब्रेक आ जाता है, तो वो हम रिकमेंड नहीं करते। तो बेहतर यही है कि आप जो है पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करके उसको जो है वो इस एलिवेटर में कैमरास को यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद हमारा कॉरिडोर का आता है, कॉरिडोर में भी हमारा रिकमेंडेड जो है वो 5241TM है, इसमें भी बिल्ट इन माइक है, और आम तौर पर आपका जो कॉरिडोर एरिया होता है वो नैरो होता है, तो एंगल का इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो आप जो है वो काफ़ी एरिया जो है एक कैमरे के थ्रू ही कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पार्किंग लॉट का एरिया है, पार्किंग में जो आपको सबसे मेन इशू है वो, क्योंकि वो आउटडोर होती है पार्किंग, तो आपका कैमरा कम से कम वैंडल प्रूफ या फिर क्या कहते हैं IP67 यानी वेदर प्रूफ होना चाहिए,
हम उसके लिए हमारे दो रिकमेंडेड मॉडल हैं, इन केस बुलेट यूज़ करना है तो उसके लिए HFW5441 ही है और डॉम में HDW5442R है। अच्छा जी, ये आपका जो है वो सिस्टम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फेंस पर एक वीडियो है और उसके अंदर जो है सारे VTH हैं और ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है वाया CAT6 नेटवर्क पर। अच्छा, आपके जो सिनेरियो आपको वैद भाई ने बताया कि आप VTH के साथ डिटेक्टर इंटीग्रेट करा सकते हैं और उसके साथ जो है एक आउटपुट भी दे सकते हैं सायरन की या किसी भी चीज़ की, तो ये टोटल सिनेरियो है। इस सिनेरियो के अंदर DSS इन्वॉल्व नहीं है। DSS को आपको तब इन्वॉल्व करना है जब आपका सॉल्यूशन मोर देन 210 VTH का हो, तो आपको DSS यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी जो इंडोर मॉनिटर और आउटडोर मिला के दोस्तों 10 से कम डिवाइसेस बनती हैं तो उसके लिए जो है वो आप विदाउट क्या कहते हैं DSS भी उसको पूरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मास्टर स्टेशन है और VTH है और फैंस का VTO है और एक IPC है। ये IPC जो आप VTH के ऊपर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी जो है वो उबैद भाई ने आपको इसका बताया कि आप जो है एट अ टाइम 32 चैनल्स देख सकते हैं, मतलब वन बाय वन देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 32 कैमरास को उसके अंदर। और दूसरा इसमें फीचर ये होता है कि आप ड्यूरिंग कॉल इस जो ये IPC जो कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, ड्यूरिंग कॉल भी इसको देख सकते हैं कि जो शख्स खड़ा है अगर उसका एंगल आपको वीडियो में सही नहीं नजर आ रहा तो आप ये कैमरा भी यूज कर सकते हैं या मजीद देखने के लिए कि उसके कौन सी गाड़ी है या कौन सा हाथ आया है तो इस कैमरे को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉल। यानी आप इस कैमरे को फेवरेट करेंगे तो ड्यूरिंग कॉल आप उस फेवरेट को जो है वो क्लिक करेंगे तो ये कैमरा का व्यू भी साथ में आ जाएगा, तो आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे गेट खोलना चाहिए या नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है इसको आप 1.6 से 2.4 की दरमियान हाइट पर लगा सकते हैं और इस पे जो आपका विजिटर है उसका डिस्टेंस कम से कम 1.1 मीटर होगा तो आपका एक फेस बिल्कुल सही तरीके से जो है आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो इनकी जो इंस्टॉलेशन की प्री रिक्विजिट हैं वो आपको लाजमी पूरे करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लो हाइट पे लगाते हैं तो कुछ लोगों की आपको मतलब सिर्फ गर्दन नज़र आएगी, अगर आप इसको ज़्यादा हाइट पे लगाते हैं तो सिर्फ सर के बाल नज़र आएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इसका एंगल ऑफ व्यू भी इस तरह रखें कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो विजिटर की ले सकें। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम साथ साथ डिस्कस करते रहे। वीडियो 741G है जो फेस का है और उसके अगर आपका इकोनॉमिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप 6531H भी यूज़ कर सकते हैं। इंडोर मॉनिटर्स के ये आपके पास दो वर्जन हैं, एक विद रिसीवर है, एक ओपन स्पीकर के साथ है, तो ये भी आप एक जो है बजट के साथ ही डिसाइड कर सकते हैं। ये मास्टर स्टेशन है, ये हमारा POE स्विच है। अच्छा, उसके बाद एक्टिव डिटेरेंस कैमराज के मॉडल हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, ये आपका जो यहाँ पर पार्किंग की इतनी डिटेल नहीं दी गई, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था रेजिडेंशियल में कि आपको पार्किंग के लिए NPR यूज़ करके उसको अपने बैरियर के साथ इंटीग्रेट कराना होता है। तो आपका ITC215 है हमारे पास और एक ITC237 है, लेकिन नॉर्मल पार्किंग के सोल्यूशन में हम ITC215 ही रिकमेंड करते हैं जो कि 6 फीट की हाइट के ऊपर लग जाता है और 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड को जो है वो आराम से रीड करवा सकता है नंबर प्लेट को। यहाँ पे पोल की हाइट लिखी हुई है 1.2526 फीट बनता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका विद प्लेटफॉर्म सिस्टम स्ट्रक्चर है। विद प्लेटफॉर्म का मतलब है कि DSS के साथ है, तो इसमें भी बस बाकी सारा सिनेरियो वही है कि आपका एक फेंस का VTO है जो सबसे बाहर लगा हुआ है और एक लॉबी का VTO है जो कि आपके लॉबी एरिया में लगा हुआ है और सारे VTH हैं, ये सब एक जो है वो एक नेटवर्क पर है। उसके बाद जो है ये सब DSS की क्लाइंट ऐप में जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है, जो भी कॉल्स वगैरह कुछ भी है उसका सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। और उसके अलावा आपकी जो DMS मोबाइल ऐप है वो भी इसके थ्रू जो है वो रही है। ये सिनेरियो आपका जब 210 से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं एक ही नेटवर्क पे ऊपर डिवाइसेस को या एक ही बिल्ड ब्लॉक की डिवाइसेस को, तो आपको DSS यूज़ करना है।
ये ब्लॉक डायग्राम है उसकी सिस्टम आर्किटेक्चर की, ये तो आप इजीली, आपका जो गार्डन का कैमरा है, और गार्डन का कैमरा, और यहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रियल स्विच रिकमेंड किए हैं। इंडस्ट्रियल स्विच इसलिए रिकमेंड किए हैं कि क्योंकि आपका पार्किंग लॉट भी आउटडोर होता है और आपका गार्डन एरिया भी आउटडोर होता है, तो नॉर्मल स्विच जो है वो टेम्परेचर और आउटडोर जो है वो वेदर प्रूफ नहीं होते, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप इंडस्ट्रियल स्विच यूज़ करें ताकि लॉन्ग रन में वो एक प्रॉपर काम कर सकें। उसके बाद ये लिफ्ट के कैमराज हैं एक्सेस पॉइंट के थ्रू, और बाकी कैमराज इस नेटवर्क पे आए, और ये सारे जो है वो एक मेन स्विच पे आपके कंट्रोल रूम में आकर एनवीआर में और आपके डीएसएस में इनको ऐड कर लिया। डीएसएस के अंदर आप 32, DSS 422 के अंदर आप 32 FR करवा सकते हैं और तकरीबन 32 ही NPR कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोबारा वही डिवाइस है 741G जिसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कंसर्ट जूम के अंदर VTS का आपका मास्टर स्टेशन यूज़ होगा, और ये कैमरा विद ऑडियो, बिल्ट इन ऑडियो यूज़ होगा, और पैरामीटर के लिए आपके एक्टिव डिटेरेंस के कैमरे, गार्डन के लिए FR कैमरा, और एंट्रेंस के लिए भी आप FD कैमरा यूज़ करके उसका FR करवा सकते हैं थ्रू AI NVR। और ये VTH का मॉडल है, और DSS के बारे में ऑलरेडी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पार्किंग लॉट के लिए है एलिवेटर, ये सारी हम ऑलरेडी इसके। अच्छा, ये ट्रांसमिशन के अंदर हमारे ये मॉडल्स हैं इंडस्ट्रियल स्विच के, 4207 4GTDP, 4410 10 पोर्ट, और 60 क्या कहते हैं 10 पोर्ट के अंदर 8 GB पोर्ट्स के साथ जो है हमारा 4210 है, और जो मेन स्विच है वो हमारा मैनेज स्विच PFS 4218 16GT है। इसका 190 वाट का जो है वो बजट है पावर का। ये वही प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और ये सिस्टम हाईलाइट हैं, यानी ये कि हमारा जो है वो कैमरा है वो ट्रेडिशनल कैमरास में कैमरा सेंस का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और ऑडियो भी बहुत ज़बरदस्त है, और आपका इंटरकॉम सिस्टम जो है वो पूरा एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट है, इसके साथ आप कैमरास भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और रिमोट अनलॉक का फीचर है। ये जो हमारे सिस्टम के मेन फीचर्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक केस है मेलबर्न में, तो 16 पब्लिक एरियाज को कवर के लिए जो हमने सीसीटीवी लगाया और 485 यूनिट का जो है वो इंटरकॉम सिस्टम यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। और जहाँ तक बात है कि कराची के अंदर हम लोगों ने एक सिस्टम यूज़ किया यहाँ पर क्रिक विस्टा के अंदर, ये इम्प्लीमेंटेशन की है विद इंटरकॉम की, तो वो जो है उसमें हमने FR क्या कहते हैं फेस वाला टर्मिनल नहीं यूज़ किया, हमने दूसरा वीडियो यूज़ किया। उसके थ्रू हमने पर ब्लॉक जो है वो 200 डिवाइसेस ऐड करा के, और उसको तकरीबन दो दो साल हो गए, और बहुत सक्सेसफुली जो है वो सिस्टम वर्किंग है वहाँ पर। तो अगर उस तरह का आपके पास कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये था टोटल सॉल्यूशन, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ख्याल में उबैद भाई, अगर किसी का सवाल है तो वो मैसेज में या हैंड रेस कर सकता थैंक यू नासिर। अगर किसी का कोई सवाल है वो माइक पे भी पूछ सकता है, चैट बॉक्स में भी पूछ सकता है। अगर नहीं है तो फिर जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर भाई को कि वो जो है आज का तीसरा टॉपिक जो है 5 मिनट की ब्रेक के बाद करें। दो से 3 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर उमर भाई जो है करेंगे सेशन, और उसमें बताएंगे रेस्टोरेंट सॉल्यूशन के बारे में।
ओके उमर, आप स्टार्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सबको? मतलब क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा, आज हम बात करने लगे हैं धावा एसएमबी रेस्टोरेंट सॉल्यूशंस के। इसमें धावा आपको क्या ऑफर कर रहा है? अगेन मैं स्टार्ट करूंगा कि इसके बारे में जो कोई सॉल्यूशन होता है उसके हमारे क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो पहले आप इसके चैलेंजेस देखते हैं। बेसिकली जो रेस्टोरेंट का बात करते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, आप खुद भी इसमें सोच सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एडवर्टाइजिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन कौन सी डिशेज ऑफर कर रहे हो, कौन कौन सी आप इसके लिए ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको पब्लिक एरिया सर्विस और क्लीननेस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे की इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर भी इस मामले में केयर करता है कि आपकी किचन की सफाई कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर कुछ आप अगर यूरोप कंट्री में चाइना कुछ इलाके में जाए तो आप देखते हैं कि वो पहले किचन की सर्विस की मॉनिटरिंग डिस्प्ले पे दे रहते हैं कि वहां से लोग देख सकें कि यार ये इतना सफाई ख्याल रखते हैं, यहाँ से खाना खाना चाहिए। तो इस चीज ये चैलेंजेस होते हैं जो हम इसके बारे में बात करते रहेंगे और आप इसके बारे में जो हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन इसके हमारे चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स वो क्या है वो हम इसको देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट जैसे भी आप किसी एक रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे आते हैं तो आपको एडवर्टाइजर चाहिए। तो पहले क्या होता था, आपको नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग मटेरियल लगाया हुआ होता था, वो आपका डिस्कार्ड हो जाता था, उसके बाद आपको फिर रिप्लेस करके न्यू बनवाना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब आप इसके लिए हम धावा क्या ऑफर कर रहे हैं, आपको धावा एक डिजिटल साइनेज ऑफर कर रहा है जिसमें आप अपने ही मर्जी के मुताबिक डिफरेंट टेम्पलेट बना के डिफरेंट साइज टेम्पलेट बना के आप इसके अंदर एडवर्टाइजिंग मटीरियल चला सकते हैं और वक्त के साथ आप ऑटोमेटिकली खुद भी चेंज कर सकते हैं और इन डिस्प्ले को आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप जैसे आपके पास डिस्प्ले में नजर भी आ रहा है इसको आप डिवाइड करके में करके एक प्रमोशन चला दे, एक पार्ट में एक प्रमोशन, दूसरे पार्ट में दूसरे प्रमोशन, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप इस डिजिटल साइज को मल्टीपल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर किचन, किचन का सिनेरियो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर इसमें आजकल रियल केयर करते हैं कि क्या वाकई इसकी किचन सफाई है या नहीं, ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए धावा क्या आप ऑफर कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। सर्विलेंस, सर्विलेंस में ये है कि आपने पब्लिक के लिए जहाँ गैदरिंग होती है उसको आपने मॉनिटर करना होता है, या रिसेप्शन आपका होता है तो वहां पे आपने इसको मॉनिटर करना होता है। तो इसमें सर्विलेंस आ जाएगी हमारी। सॉरी मेरी स्लाइड काम नहीं करे है तो अब आगे। तो अब इसका हम सिस्टम टोपोलॉजी देख लेते हैं कैसे होती है। जैसे एक पैरामीट्री कैमरा जो आपने जो आपकी पैरामीट्री होगी उसको प्रिवेंट कराने के लिए आप एक पैरामीट्री कैमरा लगा सकते हैं। फिर इंटरेस्ट पे आप एक लगा सकते हैं डिजिटल साइनेज जहाँ आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं वहाँ आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर पब्लिक एरिया जो डाइनिंग हॉल होगा उसको कवर करने के लिए आप एक मिनी डोम जो हमारा कैमरा वो आप यूज कर सकते हैं। फिर कैश कैश एरिया के लिए भी आप एक बिल्ड माइक वाला कैमरा यूज कर सकते हैं। स्पेशल जो किचन के लिए हम एक स्पेशल कैमरा ऑफर कर रहे हैं एंटी ऑयल कैमरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या यूज से क्या एडवांटेज होता है, आप किचन के अलावा यहाँ आपका जो ऑयली एरिया होता है वहां भी ये कैमरा आप टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको आप देख सकते हैं। ऑन डिमांड ये पाकिस्तान में लाया जा सकता है। मुझे खुद में मैं भी वैसे कंफर्म कर रहा था पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑन डिमांड इनको पाकिस्तान में लाया जा सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी आप अच्छी तरह ये चीजें हम तो जाते हैं। यानी अब हम देख रहे हैं इसकी ओवरव्यू क्या क्या बेसिकली चार मेन फीचर होते हैं, यानी जो पार्ट होते हैं रेस्टोरेंट के। एंट्रेंस हो गई, कैशियर कैशियर एरिया हो गया, किचन हो गया, एंट्री एग्जिट और पब्लिक एरिया, ये चार हमारे मेन पॉइंट है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगेन आपके सामने आप एक चैलेंज आया कि आपने एक डिफरेंट किस्म का एडवर्टाइजिंग दिखानी होती है कस्टमर को, आप ये चीज ऑफर कर रहे हो और आपके पास ये चीज अवेलेबल है या आपके मेन्यू होगा या फिर ये देखें कि आपको दूसरी चीज ऑफर दे रहे हैं या आपके इसमें क्या आजकल आपके इस प्रोडक्ट पे या इस खाने पे कौन सी ऑफर चल रही है। तो आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ डिस्प्ले पे एक मार्केटिंग मटीरियल लगाना पड़ता था, अब आप एक डिजिटल साइन लगा के अपने मर्जी के जो भी आपके एडवर्टाइजिंग आप पे लगा सकते हैं। फिर ये हो सकता था कि रात के वक्त आपने किसी को प्रोवाइड करना होगा आपका जो
रात को क्लोज हो चुका है, कोई क्लास करने की कोशिश करता है तो वो आपको जो हमारा पेरमिट इंडिजिनस कैमरा है, जो पीवी वाला कैमरा, आप तो वो इंस्टॉल करके उसको सारे में बुला सकते हैं और माउंट मैच थ्रू आप इंट्रूडर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कैमरा आपको वॉच कर रहा है। आप जैसे आप यहाँ देखें कि पहले क्या होता था कि आपको मल्टीपल कैमरा लगाने पड़ते थे, अब ये क्या कि हमारा एक पैनोरामिक कैमरा है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कैमरा को आप यानी जो सर्जरी प्रोसेस को कम कर सकते हैं, यानी आप एक पैनोरामिक कैमरा लगा कर पूरे एरिया को इजिली कवर कर सकते हैं। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन है। कैशियर एरिया का कैशियर इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर कोई ऐसा मिसबिहेव हो भी जाता है तो आपको बिल्ट इन माइक कैमरा लगाना चाहिए ताकि आप इजिली इसको वॉइस रिकॉर्डिंग कर ले और एक पैरामीटर लाइन ड्रा कर ले ताकि अगर कोई कैशियर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपको फौरन अलार्म हो जाए कि वहां आपका कैश वगैरह होता है, तो कोई भी इस इलीगल तरीके से उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपको फौरन ऑन द टाइम आपको अलार्म मिल जाए। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एक किचन को आप बकायदा एक एंड कैमरा लगा के, बेसिकली वहाँ चैलेंज क्या होता है कि जब किचन में होता है तो आपको वहाँ एक मॉइस्चर सा एक ऑयली सा एनवायरनमेंट होता है किचन का, तो उसके लिए कौन सा सुटेबल कैमरा है, उसके लिए धावा आप सुटेबल कैमरा ऑफर कर रहा है जिसका मॉडल आप देख सकते हैं 344M-AS-SF-I2। ये जो हमारा स्पेसिफिक एंटीऑयल कैमरा है, इसमें ये है कि इसके अंदर आप अगर आप किसी को चाहिए तो मैं सोशल मीडिया पे आपको शेयर कर दूँ कि इसका एंटीऑयल कैसे काम कर रहा है। फिर इसके ऊपर लेंस के ऊपर आप अगर ऑयल कराएंगे तो ये खुद ब खुद इससे ड्रॉप कर देगा, उसके पीछे जो पहले क्या होता था पूरी लाइन छोड़ के चले जाते थे जो भी ऑयल होता, लेकिन ये पूरा ये ऑटोमेटिक इसकी सर्विस ऐसी बनाई गई है कि ये ऑयल को नीचे गिरा देता है, उसके जो लेंस के ऊपर कोई ऑयल का निशान नहीं रहता, दूसरे इसको आप डिटैच करके इजीली इसको आप नॉर्मल जो डिटर्जेंट्स होते हैं उससे क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक इसी पर्पज के लिए कैमरा यूज किया जा सकता है, इन एनवायरमेंट में जहाँ ऑयली एनवायरमेंट हो आप ये कैमरा यूज कर सकते हैं। अगर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन फर्दर शेयर भी कर दूंगा। फिर अगेन आपने इन इलाके को मॉनिटर करने के लिए आपको कंट्रोल रूम चाहिए होता है जहां आप सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे डीएसएल एक्सप्रेस हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। अगर कोई मिसहैप भी होता है जब काउंटर क्रॉस करने की कोशिश करता है, जो आपको बस कस्टमर आता है, जब आपको मॉनिटरिंग करनी होती है, सारा आप एक जगह से मैनेज कर सकते हैं और वो डीएसएल एक्सप्रेस थ्रू आप मैनेज करके आप उसको इजिली यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगेन हम थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी कई बार ये डिस्कस हो चुके हैं, मैं अगेन डिस्कस नहीं करूंगा। जो एंटी ऑयल कैमरा है इसका जो मेन की फीचर है ये ऑयल को रिमूव कर देता है, यानी इसकी अगर जो लेंस के ऊपर ऑयल गिर भी जाए तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और इसके जो कोई भी निशाना लेंस के ऊपर नहीं रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। क्या होता है आप जहाँ से अगर ऑयल यहाँ गिराए तो पूरी लाइन ड्रा हो जाती है, जहाँ जाके ऑयल नीचे गिर जाता था लेकिन पूरी लाइन इसके ऊपर पड़ जाती थी, लेकिन इसका ये होगा इसके ऊपर ड्रॉप गिराएंगे सही तो वो इसको नीचे गिरा देगा और उसके कोई निशानात नहीं रहेंगे। तो ये सबसे जो इसके की फीचर है एंटीएल इन एनवायरमेंट में ये कैमरा आप इजीली यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स आपके पास आपके साथ कई बार शेयर हो चुकी हैं और इसमें बार बार रिपीट करने वाली बात होगी, इसमें अभी तक अच्छा इसके बारे में आप जो क्वेश्चन वगैरह तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में पूछ लें, या आप रेज हैंड कर सकते हैं या आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो। किसी को क्वेश्चन वगैरह अगर किसी क्वेश्चन है तो हम ये सेशन आगे मूव करते हैं। मैं वैद को दावत दूंगा कि आगे फर्दर जो हमारा दो टॉपिक रहते हैं उस पे डिस्कस करें। आप इंशाल्लाह अगर मुझे दावत दोगे तो फिर पिज्जा भी खिलाना पड़ेगा। ओके थैंक यू सो मच उमा, आपका शुक्रिया कि आपने रेस्टोरेंट सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड किया और उसमें किस तरह से हम डील कर सकते हैं इस चीजों को। Easy to use है, easy to manage है, बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी बात हो चुकी है दो दिन और आपने शॉर्ट में अच्छा में समझा दिया इनको। अगर आप स्क्रीन शेयर कर ऑफ कर दें तो मेरी ऑडियो सबको क्लियर आ रही है। दो मिनट के वेट के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
अगर आप में से किसी ने अगर अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं की तो आप जो है लास्ट ये चांस है कि जो है आप अपनी अटेंडेंस अगर मार्क करना चाहते हैं, डीएच पार्टनर ऐप आप ओपन करेंगे, उस पर धावा वाला लोगो जो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके पास जो है एक पेज आएगा जिसपे लिखा होगा चेक इन। अगर आप चेक इन कर लेंगे तो आप कर सकते हैं इसको इजिली यूज। एक सवाल था यूट्यूब से शरीक अरसलान का कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना चाहिए अगर हमने वीटीओ वीटीएच के ऊपर इशू करना है माई फेयर कार्ड। तो माई फेयर कार्ड जो है आप जो है एक्सेस जो अब नए फर्मवेयर या नई डिवाइसेस है उसके अंदर हमने वीटीएच में ऑप्शन दिया है कि आप कार्ड भी ऐड करा सकते हैं, जो 10,000 कार्ड्स की बात की थी। ठीक है, तो आपको वेब ब्राउजर से भी ऑप्शन अवेलेबल है वीटीओ का, अगर वेब ब्राउजर खोलेंगे वहां से भी आप कार्ड ऐड कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम VTH यूज कर रहे हैं तो VTH से भी हम कार्ड इशू कर सकते हैं। और अगर उससे बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग का सलूशन है, तो उसमें ये हम कर सकते हैं कि DSS के साथ जो है हम एक कार्ड एनरोलमेंट रीडर जो है लगा सकते हैं जिससे आप जो है कार्ड्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, आज के सेशन के आखिरी डिटेल VTSS, सॉरी दोबारा आपका अयाज मुझे सवाल समझ नहीं आया, किस बारे में आप डिटेल जानना चाह रहे हैं? VTH और VTSS मास्टर स्टेशन। ओके, मास्टर स्टेशन वहां पर आपको जरूरत होती है जहां पर आपका गार्ड हाउस हो, और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जैसे होता है कि आपका मेन गेट होता है, मेन गेट से जो है कॉल जनरेट होती है कंट्रोल रूम में या गार्ड हाउस में, तो वो पूछते हैं कि आपने किससे मिलना है, किससे बात करनी है, तो वो कॉल जब रिसीव करके फिर आपकी कॉल जो है वो मिलाएगा अपार्टमेंट वाले को कि सर आपका कोई यूजर आया हुआ है, विजिटर आया हुआ है, तो आप जो है काइंडली जो है उनको अटेंड करें। और जो है फिर या तो वो डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हैं वहां से ऊपर से, या फिर वो कॉल फॉरवर्ड भी कर सकता है उसके नंबर पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है VTS में, मास्टर स्टेशन में। और VTS में आप जो है मल्टीपल VTOs यानी मल्टीपल डोर्स अगर आपके हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, तो आप कर सकते हैं उसको सिंगल डिवाइस के ऊपर मॉनिटर भी और कॉल भी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप VTS को यूं यूज करना चाहते हैं कि आपका अपार्टमेंट वाला आपको कोई कंप्लेन करवाना चाहता है, तो उसके VTH के ऊपर एक बटन बना होता है SOS एमरजेंसी का। ठीक है, या आप सर्विस कस्टमर सर्विस सपोर्ट, तो उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा तो ये VTS के ऊपर कॉल जनरेट होगी, और VTS पे वो आप कॉल करके कह सकते हो कि मेरा फलाना बंदा जो है ना आ रहा है उसके लिए विजिट के लिए, तो आपने प्लीज उनको आने देना है। ठीक है, तो इस तरह के इस तरह से हम जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आज के टॉपिक्स जो है उसके तरफ जाते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा स्कूल सॉल्यूशन। बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी आप लोगों को आपको पता होगा और आप फैमिलियर होंगे उनसे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई नई बात या नई चीज आपको बताई जा सके। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी स्कूल्स में, उसके बाद सॉल्यूशन ओवरव्यू देखेंगे, सॉल्यूशन की वैल्यूज को देखेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन देखेंगे, और उसके बाद सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। तो चैलेंजेस हमारे पास स्कूल में क्या होते हैं कि जो है ना बच्चे होते हैं उनको मैनेज करना, उनकी अटेंडेंस मार्क करवाना, और आपकी जो बच्चों को छोड़ने के लिए गाड़ियां आती हैं या जो व्हीकल्स आते हैं जिनके ऊपर वो आते हैं उनकी मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये जरूरी है। दूसरे नंबर पे जो है आपके जो है जब बाउंड्री वॉल पे कैमरा स्कूल्स में लगे होते हैं तो आप जो है जैसे फंक्शन यूज कर रहे थे ट्रिप वायर और इंट्रूजन डिटेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास फॉल्स अलार्मिंग बहुत ज्यादा आ रही होती थी। ठीक है, अब जो है एक तो फॉल्स अलार्मिंग के लिए हमने क्या इलाज करना है, क्या उसका सलूशन देना है। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में रहते हुए हमने किस तरह से इसको हैंडल करना है। तीसरे नंबर के जो है आपके जो जो अटेंडेंस का मैकेनिज्म होता था तो उसमें जो है आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, और जो है ना डाटा जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होता था। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अटेंडेंस का डाटा सारा सेंट्रलाइज करें और रिपोर्टिंग उसकी जनरेट करें हर मतलब के सेक्शंस वाइज या जो क्लासरूम्स होते हैं उसके वाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना जो एक और प्रॉब्लम के जो है ना इमरजेंसी के वक्त किस तरह से उसको डील किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे रिड्यूस कॉस्ट भी कर रहे हैं और सोल्यूशन की वैल्यू को भी बढ़ा सके। ठीक है,
और जब लॉस ऑफ की एविडेंस की बात करते हैं तो जो है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, हाउ टू ऑपरेट मोर कन्वीनियंटली और इफेक्टिवली दिस सॉल्यूशन जो हम स्कूल में डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन का ओवरव्यू है। अगर आप देखें कि जो है हम पैरामीटर फेंस, पब्लिक एरियाज, ह्यूमन एंट्रेंस और व्हीकल की जो सॉल्यूशन को डिप्लॉय करेंगे तो उसको हम एक स्विच के ऊपर, एग्रीगेशन स्विच के ऊपर लगा के एनवीआर और कंट्रोल रूम में डीएसएस एक्सप्रेस के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कूल में कुछ कॉमन एरियाज हैं जो आपको नजर आते हैं। जिस स्कूल में भी जाएं, जो एक अच्छा स्कूल होगा उसके अंदर जो है आपके पास स्कूल एंट्रेंस होगी, व्हीकल एंट्रेंस भी होती है वहां पे, बाजूकात के गाड़ी अंदर तक आपको ड्रॉप ऑफ करके जाती है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक एरियाज होते हैं आउटडोर, जिसमें जो है पार्क आ जाते हैं, उसमें अगर लॉन है, प्ले ग्राउंड है, स्पोर्ट्स एरिया है, तो वो सारी चीजें जो आपके आउटडोर पब्लिक एरियाज में आ जाती है। उसके बाद पैरामीटर फेंस आ जाती है, स्कूल की चार दीवारी और कंट्रोल रूम और क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, लाइब्रेरी, ये सारी इसी इंडोर पब्लिक स्पेस का हिस्सा है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एंट्री एग्जिट की। ह्यूमन एंट्री एग्जिट में हम जो है गेट के ऊपर जो है बैरियर लगा सकते हैं और यही बैरियर के ऊपर हम फेस रिकग्निशन के जरिए अटेंडेंस भी मार्क करा सकते हैं। तो बच्चा जो रजिस्टर होगा या जो वालदेन रजिस्टर्ड होंगे, जब आपकी जैसे स्कूल पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसमें अगर आपके पेरेंट्स को, पेरेंट्स में से किसी को रजिस्टर किया हुआ है तो वो भी अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये गेट जो है अगर स्कूल के बच्चों के लिए है सिर्फ, तो पेरेंट्स और विजिटर्स वाला गेट जो है वो सेपरेट होगा। तो इधर से जैसे ही बच्चे आएंगे, गुजरते जाएंगे स्पीड में, तो बैरियर जैसे रिकग्नाइज करेगा, फेस रिकग्नाइज होगा, तो उसकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी और एक्सेस कंट्रोल भी हो जाएगा। तो दोनों फंक्शन आप एक ही गो में कर सकते हैं एंट्रेंस के ऊपर। उसके बाद जो है गाड़ियों की एंट्री एग्जिट के लिए आप स्कूल के टीचर्स होते हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें टीचर्स के लिए पार्किंग का भी मैकेनिज्म होता है। प्रिंसिपल है, जैसे डीन है, जो प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी गाड़ियों के लिए पार्किंग या गाड़ियां अंदर आती हैं। तो स्ट्रेंजर की जो गाड़ी है वो आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से बैरियर के जरिए। आप अपनी सारी रजिस्टर्ड गाड़ियों की नंबर प्लेट जो है वो ऐड कर सकते हो कैमरे में, एनपीआर कैमरे में, और जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये रजिस्टर्ड गाड़ी है और इसका नाम ये, ओनर का नाम ये है गाड़ी के, तो वो जो है उसी वक्त दरवाजे बैरियर को जो है ओपन कर देगा और वो गाड़ी अंदर जा सकती है। ठीक है, स्कूल के अंदर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो स्ट्रेंजर की गाड़ियां, उनको अंदर आने से रोकना है तो रोक सकते हैं हम। ठीक है, और दूसरा ये होता था कि जो है ना, जब पीक आवर्स होते थे तो गाड़ियों का रश लग जाता है, तो ये जो है एक फास्ट मेथड है जिससे आप जो है ना easily 0.3 to 0.5 सेकंड में एक गाड़ी को पास कर सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर कंट्रोल रूम में जो है आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी जो गार्ड हाउसेस होते हैं उनके ऊपर आप मॉनिटरिंग कैसे दे सकते हो। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरह के सॉल्यूशन में जब आपके मल्टीपल साइट्स पे आपने मॉनिटरिंग करनी हो, व्यूइंग देनी हो, तो दो तरीके होते हैं कि आप या तो सॉफ्टवेयर के साथ दे दो, डीएसएस एक्सप्रेस या डीएसएस प्रो का क्लाइंट पीसी इंस्टॉल कर दो, ताकि जिस कैमरे की उसको एक्सेस हमने देनी है तो वहां पर गार्ड हाउस के ऊपर हम उसको एक्सेस दे दें, और वहां पर हम बिल्ट इन माइक वाला कैमरा लगा के उसके गार्ड हाउस पे भी लगा सकते हैं, ताकि जो है अगर उससे कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कोई उधर जो है कोई मसला होता है गार्ड हाउस के ऊपर, तो वो भी हमारे पास 24/7 और रिकॉर्डिंग में आता रहे। ठीक है, फिर बाउंड्री वॉल के सोल्यूशन के लिए बहुत दफा बात हो चुकी है, 3 दिनों के अंदर पैरामीटर प्रोटेक्शन वाले कैमरे 3 सीरीज या 5 सीरीज। इसमें क्या होगा कि ह्यूमन या गाड़ी के ऊपर अलार्म बोलेगा और बाकी चीजों को डिस्कार्ड कर देगा, तो फॉल्स अलार्मिंग आपकी कम से कम हो जाएगी। ठीक है, और एक्टिव डिटरेंस में आपको इस तरह की आई थिंक साउंड तो नहीं है, लेकिन जो है इसके अंदर एक्टिव डिटरेंस वाला जो कैमरा लेंगे, जो उसमें जो है आपके पास बिल्ट इन सायरन भी होगा कैमरे में, तो जैसे ही डिटेक्ट होगी कोई मूवमेंट हो रही है, कोई क्रॉस करने जा रहा है, कोई बच्चा जो है स्कूल से कोई जो है ना ठुला मारने लगा है, तो उसी वक्त जो है ना आपको अलार्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद जो है लार्ज जो पब्लिक एरियाज होते हैं उसमें चैलेंजेस हमारे पास होते थे कि सस्पिशियस लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई तो चैलेंजेस हमारे पास होते थे कि सस्पिशियस लोग जो है अंदर ना आ सके, तो हम जो है क्या कर सकते हैं कि वेंडरिंग डिटेक्शन हमारे पीटीसी के अंदर है कि जो है ना अगर एक जोन के अंदर मैं जो है एक टाइम पीरियड लगाऊं कि उस टाइम पीरियड में बंदा इधर से उधर हो रहा है और कुछ कर रहा नहीं है, तो जो वेंडरिंग डिटेक्शन ये भी हम कर सकते हैं, इसको लोटरिंग डिटेक्शन भी कहते हैं, जिसमें ये होता है कि एक टाइम पीरियड सेट करते हैं एक जोन के अंदर, अगर उस जोन के अंदर उतनी देर के लिए बंदा ठहरे तो वो जो है अलार्म दे देगा आपको। ठीक है,
तो ये भी हम कर सकते हैं। फिर लार्ज अगर एरिया कवर करना है, हॉल है, जैसे डाइनिंग हॉल होता है स्कूल्स में अगर है, हॉस्टल्स में है, तो वहां पर हम जो है पैनोरामिक कैमरास भी लगा सकते हैं और फिश आई कैमरास भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डॉर्मिटरी लाइब्रेरीज हैं वहां पर हम नॉर्मल जो कैमरास आप 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल के, इधर कोई खास चीज नहीं जरूरत होती, वैसे सर्वेलेंस ही ज्यादातर जरूरत होती है। ठीक है, अगर एलिवेटर्स है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके अंदर जो सोल्यूशन है वो हम यही रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि एलिवेटर्स के जो कैमरास की जो वायरिंग होती है वो जरा टिपिकल होती है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप P2P लिंक पर लिफ्ट जो है 2 पेयर लगा दें, नैनो स्टेशंस लगा लें। दावा का नैनो स्टेशंस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम PTA से अप्रूवल के उसमें फेज में हैं कि जैसे ही अप्रूव होगी हमारी प्रोडक्ट तो हम जो ये भी पाकिस्तान में वायरलेस जो इक्विपमेंट है हमारा P2P लिंक जो है वो भी हम कर सकते हैं। तो आप अभी जो है जब भी लिफ्ट के कैमराज या एलिवेटर्स में कैमरे लगाने जाएं तो उसमें आप क्या किया करें कि जो है लिफ्ट के ऊपर एक जो है यूनिट लगा दिया करें P2P का, और एक जो है उसके टॉप पे लगा दिया करें। 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक का जो है लिंक इजिली बिल्ड किया जा सकता है लिफ्ट के ऊपर। ठीक है, और उसको फिर आप जो है अपने नेटवर्क पे ला के रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर्स में आप क्योंकि लाइटनिंग थोड़ी सी चैलेंज होती है जब खिड़कियां जो है, जहरी बात है आपकी पता है कि लाइटनिंग कंडीशन जहां चैलेंज होता है वहां पर हम जो है स्टार लाइट कैमरा रिकमेंड करते हैं। स्टार लाइट यानी लो लाइट परफॉर्मेंस भी यहां पर अच्छी हो। ओके, पार्किंग लॉट में भी चैलेंजिंग लाइट होती है, तो अगर आपकी गाड़ियां जहां पे टीचर्स की गाड़ियां पार्क होती हैं या कोई अगर यूनिवर्सिटी है कॉलेज है तो स्टूडेंट्स की गाड़ियां जहां पे पार्क होती हैं वहां पर भी हम स्टार लाइट वाला कैमराज यूज कर सकते हैं ताकि लाइट अगर कम भी हो तो ये अच्छी परफॉर्मेंस के साथ रिकॉर्ड करता रहे। उसके बाद कंट्रोल रूम में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है DSS एक्सप्रेस, सारी डिवाइसेज आपकी जो है DSS एक्सप्रेस में एड हो जाएंगी और उसका क्लाइंट पीसीज जो है आप गार्ड हाउस के ऊपर भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें सारी की सारी कंट्रोल जो है एक्सेस कंट्रोल, अटेंडेंस, आपकी जो कैमराज हैं, फेस रिकग्निशन, ये सारी चीजें जो आपकी इस सॉफ्टवेयर के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट मॉडल्स हैं जो आप यूज करेंगे जब आपने स्कूल के लिए अगर आप इस सॉल्यूशन के ऊपर एज इट इज आप अगर रिकमेंड करना चाहते हैं, तो इसमें फेस डिटेक्शन वाले एक्सेस कंट्रोल स्टैंड अलोन जो कि बैरियर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, थर्ड पार्टी बैरियर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का हमारा जो है ANPR कैमरा जो कि नंबर प्लेट के लिए हम यूज करते हैं, वो मॉडल है 215 PW4IIR LZF23713। हमने 215 क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ी जो है स्पीड जो है कम होती है एंट्रेंस के ऊपर, और हम जो है यहाँ पर एक और मैकेनिज्म SOP भी बना सकते हैं कि हम यहाँ पर स्पीड ब्रेकर जहाँ पे ANPR लगाना हो वहां पे एक स्पीड ब्रेकर लगा दें गाड़ी कैमरे के सामने। उसके बाद स्टारलाइट कैमराज में आप 5 सीरीज 3 सीरीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, PTZs में हमारे पास जो अवेलेबल है AI PTZ है, और इसमें ऑटो ट्रैकिंग का फंक्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बाउंड्री वॉल पे लगाते हैं और लाइन क्रॉसिंग का फंक्शन इनेबल करते हैं तो जैसे ही इस लाइन को कोई टच होगा ह्यूमन तो ये PTZ उसको साथ साथ ट्रैकिंग भी करता जाएगा, तो ऑटो ट्रैकिंग का इसके अंदर फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद पैनोरामिक कैमराज में हमारे पास तीन लेंस वाला भी अवेलेबल है, 8 लेंस वाला भी अवेलेबल है, ये तीन लेंस वाला है। ठीक है, तीन लेंस में क्या होता है कि तीन लेंस होते हैं 1, 2, 3, और तीन लेंस आपको 180 डिग्रीज जो है वहां पे 360 डिग्री में आपको व्यू देते हैं और एक PTZ सपोर्टिंग में उसके होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है एक्सेस कंट्रोल, आप फेस वाला भी ले सकते हैं और थंब वाला भी ले सकते हैं, इसको अटेंडेंस के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। और NVR जो है AI वाला अगर आप रिकमेंड करते हैं तो आप फेस रिकग्निशन भी इनेबल कर सकते हैं, पैरामीटर प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एंड पे अगर आप बात करें तो DSS एक्सप्रेस जो है इस सारे सॉल्यूशन को की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था स्कूल सॉल्यूशन, इसमें कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक। शरीक अरसलान, आपका सवाल वीडियो और VTH से है कि कार्ड यूजर कैसे ऐड करते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा थर्मल, मिनी थर्मल, यानी लाइट सीरीज में अगर आपको किसी को थर्मल सॉल्यूशन देना है, लाइट सीरीज से क्या मुराद है कि कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में, किसी की फैक्ट्री है वो कहता है जी बाउंड्री वॉल पे धुंध हो जाती है, फोग हो जाती है, धुआं हो जाता है, तो इस वजह से नजर कुछ नहीं आता, तो नॉर्मल कैमरा वहां पर
काम करना छोड़ देता है, तो इसके ऊपर जो है ना 1 से 2 मिनट में हम बात करते हैं। एक सवाल आया अली भाई का, अली भाई ने पूछा है कि जी एनी सॉल्यूशन फॉर कोल्ड स्टोरेज एरियाज। हाँ जी बिल्कुल, कोल्ड स्टोरेज एरियाज के लिए हम जो है ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है जो हमारे कैमराज हैं उनके लिए हमने एक केसिंग बनाई है, कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड स्टोरेज के लिए हमने एक जो है बनाई है, और मैं कोशिश करता हूँ आपसे शेयर भी करूँ। एक लाइन मतलब कि रहिएगा कि मैं जो है ना कोशिश करता हूँ आपको प्रोडक्ट दिखा दूँ। मैं आपसे जो है ना शेयर कर रहा हूँ एक्सट्रीम कोल्ड स्टोरेज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। मैंने जो है एक्सट्रीम कोल्ड की जो है हाउसिंग डाउनलोड की है, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे शेयर करूँ लाइन। ओके, आपको जो है स्क्रीन नजर आ रही है, ये हमारी जो है एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए कुछ हाउसिंग्स हमने बनाई हैं, जिसके अगर आप फीचर्स देखें तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। जो ई वाला मॉडल है इसका मतलब है कि एक्सट्रीम कोल्ड आप ये हाउसिंग जो है कर सकते हैं, और इसकी जो रेटिंग है आप देख सकते हैं कि जो है ना -65 से 55 डिग्री तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें NEMA 4X भी अवेलेबल है, ठीक है, और IP67, IK10, और इसके अंदर 100 मीटर IGR तक के मॉडल अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। जब भी आपने ये सिलेक्ट करनी है आपने डायमेंशंस और जो है कैमरे की वो देख लेनी है, क्योंकि ये हर कैमरे के लिए नहीं होता, ठीक है। -40 डिग्री नॉर्मल हाउसिंग होती है, और जो एक्सट्रीम कोल्ड है वो -65 डिग्री तक बर्दाश्त कर सकता है, और एंटी कोरिजन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी है हाउसिंग, देख सकते हैं कि अंदर हीटर भी लगा हुआ है और कूलर भी लगा हुआ है, ठीक है। कैमरा के लेंस और IR, ठीक है, डबल वोल्टेज इसके अंदर, हाई वोल्टेज 220 वोल्ट के ऊपर जो है इसके अंदर अलग से पावर सप्लाई भी दी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज जहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट यूरोप है, उसके बाद कनाडा, जापान, रशिया, आयरलैंड, आइसलैंड, USA, तो यहाँ पर नॉर्मली जो है टेम्परेचर -40 तक चला जाता है, ठीक है। तो ये हम जो है यूज कर सकते हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो आई होप के आपको आइडिया हो गया होगा इसका, ठीक है।
ओके जी, आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और सेशन का जो हमारा 3 दिन की जो ट्रेनिंग कोर्स है उसके ऊपर जो है उसकी क्लोजिंग करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के साथ। हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया था पहले दिन बताया था कि हमारे पास जो है ना, जब हम थर्मल की बात करते थे पहले किसी भी कस्टमर से, तो वो क्या होता था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल थे हमारे पास, उनमें जो है तो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन अवेलेबल थे वो तो लाखों रुपए के जो है ना थर्मल कैमराज आते थे। तो हमने क्या किया कि जो कस्टमर जो लगाना चाहते थे एक्चुअली, और उनकी एप्लीकेशन इतनी बड़ी नहीं होती थी, वो कहते थे यार सिर्फ फॉग और धुंध है या स्मोगी एरिया है उसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है। जैसे डिजर्ट्स वगैरह वाले एरियाज होते हैं, यहाँ पर ओपन फील्ड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब यहाँ पे सैंड स्टॉर्म आता है या जो है जो है ना हेल स्ट्रोम आता है, तो उसके अंदर जो है कोई भी कैमरा ब्लाइंड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है आपके पास कि सिर्फ थर्मल जो इमेजिंग है वो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास जो है 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं इस वक्त, और पाकिस्तान में सैंपल्स भी अवेलेबल हैं इसके, BF1241 और DF1241। डूम कैमरा अगर चाहिए आपको इनडोर यूज करना है थर्मल एप्लीकेशन के लिए तो DF1241 है, और हमारे पास BF1241 जो है वो बुलेट कैमरा अवेलेबल है। इसमें वाईफाई वाला फंक्शन भी अवेलेबल है। अब वाईफाई में थर्मल की कोई जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन क्या है कि कनेक्टिविटी अगर कहीं पर आपको मुश्किल है करना तो वाईफाई के जरिए भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका अपना हॉटस्पॉट नहीं होता, लेकिन ये जो है आपके राउटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ रिसीविंग एंड है, हॉटस्पॉट नहीं है इसका वाईफाई में। ठीक है, थर्मल रेजोल्यूशन हमारी जो है अवेलेबल है इन कैमरास की वो 256x192 है, और थर्मल लेंस जो अवेलेबल है आपने ऑर्डर के वक्त बताना होता है कि किस साइज का लेंस आपने इसके साथ लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई कुछ नहीं बताएंगे तो 3.5 mm जो सबसे सस्ता है, और प्राइस डिफरेंस भी आता जाएगा 3.5, 7 और 10। ठीक है, इसके अंदर जो है विजुअल लेंस भी साथ में रखा है ताकि जो है इसकी एप्लीकेशन डबल हो जाए, हाइब्रिड हो जाए। अगर दिन में आपने यूज करना है तो इसका विजुअल लेंस आपको 4 मेगापिक्सल इसके अंदर दिया हुआ है, 4 mm, 8 mm और 12 mm आपके पास ऑप्शनल है कि आप लगा सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ ऐसी है कि आपने दूर तक देखना है तो 12 mm का लेंस आप बाउंड्री वॉल पे लगा सकते हैं। ठीक है, वाईफाई का ऑप्शन ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके मॉडल के अंदर डैश वाईफाई का लफ्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन क्या क्या, इंटेलिजेंट ट्रिपवायर और इंट्रूजन, फायर डिटेक्शन, कोल्ड एंड हॉट स्पॉट ट्रेस, ह्यूमन एंड व्हीकल क्लासिफिकेशन, कॉलिंग डिटेक्शन और स्मोकिंग डिटेक्शन भी है, फ्लेम डिटेक्शन यानी स्मोकिंग यानी फ्लेम होता है। ठीक है, IP67 है, आउटडोर यूनिट जो है, आउटडोर जो है इसकी केसिंग अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा जो है इंडस्ट्री का सबसे चीपेस्ट सॉल्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है टू कैटर द हार्श एनवायरनमेंट। जहां पर हार्श एनवायरनमेंट होता है वहां पर हम यूज कर सकते हैं इसको। 24/7 और रेडी होता है, वेदर का कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लाइटनिंग कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपके पास जहां पे कंडीशन स्मोकी हेज और स्मोग हो तो उस जगह पर भी आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे आप भी देखते हैं कि विजुअल लेंस में ये व्यू थी IR के ऊपर, लेकिन IR में आपको ये नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे भी कोई चीज है, तो आप हीट से जो है डिटेक्ट करके जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हो चीजों को। ये जो है लेंसेज साइज का डिफरेंस है, अगर आप वाइड एंगल लेते हो तो 2 mm लेंस अवेलेबल है, 3.5 mm, 7 mm, जितना ज्यादा बड़ा लेंस होगा एंगल ऑफ फील्ड ऑफ व्यू जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और डिस्टेंस जो है ज्यादा हो जाएगा देखने का। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक नया मोड भी हमने शामिल किया है, फ्यूजन मोड। फ्यूजन मोड क्या होता है कि थर्मल और विजुअल पिक्चर को हम जो है ट्रांसपेरेंट कर दें। अब इसका फायदा ये होता है कि थर्मल जो इमेजिंग होती है उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं नजर आती, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी चीज को। इस फ्यूजन मोड में क्योंकि थर्मल भी होगा और विजुअल भी होगा, दोनों ट्रांसपेरेंट मोड बना देंगे, तो इसके अंदर जो है आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है किसी भी चीज की। ठीक है, तो ये इसका फ्यूजन मोड अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है इसके अंदर हमने क्या किया, थर्मल के अंदर बिल्ट इन सायरन इसके अंदर लगाया एक, तो दूसरा बिल्ट इन स्ट्रॉब लाइट भी लगाई है। जैसे ही कोई ये आइडेंटिफाई करे कोई भी चीज तो ये लाइट को ब्लिंक करना शुरू हो जाए, एक्टिव डिटेरेंस क्रिएट करे। ठीक है, जैसे ही ह्यूमन मोशन हो या जैसे ही कोई व्हीकल मोशन हो तो क्या करे, एक तो सायरन बजा दे और साथ में
लाइट भी ब्लिंकिंग करना शुरू कर दे, तो ये हम जो है इसको थर्मल को बहुत जगहों पर यूज कर सकते हैं बाउंड्री वॉल के सॉल्यूशंस के अंदर। ये इसके मेन फंक्शंस है एआई वाले, आईवीएस इंटेलिजेंट जो हमारे ट्रिपवायर और इंट्रूजन डिटेक्शन ह्यूमन और व्हीकल बेस पे, फायर डिटेक्शन का इसमें एल्गोरिथम हमने डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉल डिटेक्शन, जैसे कि होता है कि वर्किंग एरियाज में आप जो है कॉल नहीं कर सकते, या पेट्रोल पंप्स गैस स्टेशंस पे भी लिखा होता है मोबाइल इज प्रोवाइडेड, तो आप कॉल जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हो, कॉल डिटेक्शन का भी फंक्शन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और स्मोकिंग डिटेक्शन, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो फ्लेम होगा उसमें, धुआं टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उस जोन में, तो ये इस फ्लेम को भी डिटेक्ट कर सकता है। कितनी रेंज होती है आगे हम देखेंगे। ये है जी आईवीएस की रेंज, और जो है आईवीएस क्या क्या हम कर सकते हैं, ट्रिपवायर और इंट्रूजन ह्यूमन और व्हीकल बेस्ड। ह्यूमन का साइज अगर 1.8-0.5 meters हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये आप जो ये कलर है ये ह्यूमन की आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। ह्यूमन 15 मीटर तक आप जो है इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो व्हीकल है उसका साइज अगर 4x1.4 meters हो तो आप 42 मीटर तक व्हीकल डिटेक्ट कर सकते हो और 2 mm से, और 15 मीटर तक ह्यूमन डिटेक्ट कर सकते हो इस साइज का, ठीक है। ये साइज भी साथ में दिया हुआ है, और मेरे ख्याल में इतना ही होता है ज्यादातर जो साइज एवरेज साइज होता है ये जो ह्यूमन का। 3.5 mm लगाओगे तो 72.5 meters जो है आप व्हीकल और 26 meters से ह्यूमन को आइडेंटिफाई। तो लेंसेज आपने इसके ऊपर जो है चूज करना होता है कि किस लेंस के किस कैपेसिटी का लेंस आपने यूज करना है। उसके बाद फायर डिटेक्शन, मैंने आपको बताया था फायर डिटेक्शन का एल्गोरिथम इसमें अवेलेबल है, वेयर हाउस, लाइब्रेरीज, वेस्ट रिसाइकलिंग, म्यूजियम वगैरह में आप इसको फायर डिटेक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हो। और जैसे ही फायर डिटेक्ट होगी तो सायरन बजने शुरू हो जाएगा वहीं पर, और लाइट भी फ्लिकर करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये फायर डिटेक्शन की जो है रेंज दी हुई है, 2 mm जो है लेंस वो 8.3 meters तक जो है 80 sensitivity के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है 12 mm के ऊपर जो है टेस्टिंग कंडीशन, यानी अगर जो है 12 mm तक हमने टेस्टिंग कंडीशन में अगर एक्यूरेट अगर लैब इन्वायरमेंट है उसमें 12 meters और 8.8 रियल सिनेरियो के अंदर हमने टेस्टिंग की हुई है इसकी, ठीक है। तो 3.5 mm में 14.5, 7 mm में 29 meters तक जो है फायर, और फायर का साइज सोर्स का कितना होना चाहिए, 0.2 meters by 0.2 meters, ठीक है। 10 mm अगर लेंस आप लगाएंगे थर्मल का तो 41 meters या 60 meters तक आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग डिटेक्शन, स्मोकिंग डिटेक्शन में आपके पास जो लेंस है साइज और डिस्टेंस है, रिकमेंडेड डिस्टेंस है 2.5 meters, और जो मैक्स डिटेक्शन डिस्टेंस है वो है 3.5 का लगाएंगे तो 3.5, 7 का लगाएंगे तो 8 meters, 10 mm लगाएंगे तो 10 meters से स्मोकिंग डिटेक्शन का आप अलार्म ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल डिटेक्शन, कॉल डिटेक्शन की रेंज दी हुई लेंसेज पे, डिफरेंट लेंस पे डिफरेंट रेंज है, ठीक है। तो आप इसको जो है चूज करने से पहले इसकी डेटा शीट में देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा रिकमेंडेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप क्या क्या लगा सकते हो, थर्मल कैमरा, NVR 5 सीरीज और एक्सप्रेस DSS। ये आपको चूज करने में हेल्प करेगा कि आपने क्या फंक्शन लेना और कौन सा NVR चाहिए। अगर आपने सिर्फ IVS लेना है तो आप NVR 4 सीरीज 4K2 भी चला सकते हो, इसमें फायर नहीं होगा, स्मोकिंग नहीं होगा, कॉल नहीं होगा। 5 सीरीज लगाते हो तो 5 सीरीज में सिर्फ स्मोकिंग का नहीं था, और कॉल है, फायर है और IVS भी अवेलेबल है। अगर आप DSS Express लेते हो तो कंपेटिबल है सारे फंक्शंस इसके, और DSS Pro में भी सारे फंक्शन अवेलेबल है, और DMSS जो हमारी मोबाइल ऐप है, इस कैमरे के सारे नोटिफिकेशन आप मोबाइल ऐप पे भी ले सकते हो, ये इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल ऐप के जरिए भी मिल सकती है, ठीक है। ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन जो है मैंने छोटा सा बनाया था ताकि जो है आपको आइडिया हो कि क्या है। ज्यादातर चीजें हमारे पास अवेलेबल है सेम, बट एक चीज है कि जो है एक तो रेजोल्यूशन हमारी 20% मोर है, 22-25% मोर है कंपेटिटर ब्रांड से, ठीक है। हमारी है 256x192 और उनकी है 160x120, और इसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है वो आता है +-8 degrees, हमारे में +-2, +-4 तक जो है जाता है, ठीक है, जो टेम्परेचर अगर आपने मेजर करना है इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद जो है कोल्ड एंड हॉट रश फायर डिटेक्शन है, स्मोकिंग डिटेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास कॉल डिटेक्शन भी अवेलेबल है, और ह्यूमन और व्हीकल की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ है लाइन क्रॉसिंग, इंट्रूजन। अब जो है ना लाइन क्रॉसिंग और इंट्रूजन में कोई भी चीज, यानी मतलब कि कबूतर है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी चीज गुजरेगी तो उसको आइडेंटिफाई करके अलार्म दे देगा। हमारे पास यह है कि AI बेस्ड रूल है, AI बेस्ड क्या, ह्यूमन या गाड़ी, ठीक है।
हमारे पास जो थर्मल के जो कलर प्लेट्स हैं, यानी आप जो है ना स्विच कर सकते हो कलर्स, थर्मल के ग्रे लेवल करने हैं, ब्लैक लेवल करने हैं, रेड लेवल करने हैं, ग्रीन लेवल, तो 18 तरह के कलर प्लेट्स हैं और 3 फ्यूजन मोड्स अवेलेबल है हमारे पास। फ्यूजन मोड मैंने बताया था, थर्मल और जो विजुअल लेंस है उसको हम इम्बेड कर देते हैं इमेज को, और उसमें जो है थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन आप बंदे को देख के पहचान भी सकते हो, इतनी होती है। ठीक है, ये हमारा था आज का टॉपिक थर्मल का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कुछ चीजें नई समझ आई होंगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपको हैंडल जो है उसका जो है आवाज आपको जो है आंसर करने की कोशिश करूंगा। हैंड रेस कर सकते हैं, चैट रूम में भी पूछ सकते हैं आप। एस्टिमेटेड प्राइस सर, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो है ना एस्टिमेटेड प्राइस इज अंडर 1 लाख। अंडर 1 लाख जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि मुझे एस्टिमेटेड एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अंडर 1 लाख में ही है ये सोल्यूशन। ठीक है, इतना मुझे कंफर्म है। और जो है ना प्राइस इसकी लेंस के ऊपर भी याद रखे पड़ती है। मैं जो एस्टिमेट बता रहा हूँ ये हो सकता है 3.5 mm लेंस हो, जब आप लेंस की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, 10 mm करेंगे, 50 mm करेंगे, तो वो बढ़ती जाएगी प्राइस भी उसकी। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड प्राइस है। सर ये सायरन और लाइटनिंग कितना देगा? सायरन जो है इसमें 110 dB का सायरन है इसके अंदर लगा हुआ बिल्ट इन, और जो फ्लैशिंग लाइट है अच्छी खासी सर लाइट है और ब्लिंक करती है तो दूर तक नजर आती है। ठीक है, YouTube पे जो है असलान भाई ने सवाल ये पूछा था कि जो है एक्सेस कंट्रोल में कार्ड करने का कार्ड ऐड करने का तरीका बता दे। कार्ड ऐड करने का सर दो तरीके हैं, दो तरीकों में पहला तरीका ये है कि जो है आप जो है सॉफ्टवेयर के जरिए जो है उसके साथ जो है हमारे जो इनरोलमेंट रीडर्स हैं, अगर थंब वाला करना है तो थंब वाला भी इनरोलमेंट रीडर मिल जाएगा ASM 101, और जो कार्ड रीडर कार्ड को एक्सेस इनरोल करवाने वाला जो मॉड्यूल है वो भी हम ले सकते हैं। उसमें हमारे पास जो मॉडल अवेलेबल है ASM 100 जो है हमारे पास अवेलेबल है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि लोकली डिवाइस के ऊपर भी आप कार्ड को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, लोकली से क्या मुराद है कि स्टैंड अलोन डिवाइस हो उसके ऊपर जो है ऐड यूजर करके कार्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो टैप करेंगे कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सेशन 3 दिन का, हम जो SMB सॉल्यूशन का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए लेके आए थे। उम्मीद है कि आपने कुछ चीजें इसमें से नई सीखी भी होंगी और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं आपको बताऊं कि प्री सेल्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेलिंग और जो फंक्शंस और फीचर्स की बात हो, ये मॉडल्स को आप एक दफा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं एक चीजों को। ठीक है, उसके बाद जो है क्विक सिनेरियो भी दिया जा सकता है ट्रू फॉल्स के तौर पे या मल्टीपल आंसर क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, तो इनशाला जो है इसका जो एग्जाम है हम जो है डेट जो एग्जाम की हम डिसाइड कर रहे हैं अप्रैल में। आई थिंक 2 वीक्स, 12th of April सर, 12th of April को जो है आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और 12th April एग्जाम की डेट होगी, और जो है उसका एग्जाम का क्या होता है कि हम 10 बजे से 3 बजे तक का आपको टाइम देंगे, आप इसमें किसी भी टाइम पर जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 3 बजे आप किसी भी फ्री टाइम में इसको 10 से 3 बजे में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम की रजिस्ट्रेशन मैं जो है 2 से 3 दिन पहले ओपन करूंगा, जिसमें आप जो है तकरीबन 40 क्वेश्चन होंगे सर, और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स, सिंगल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंगल चॉइस में एक आंसर होगा और मल्टीपल चॉइस में जो है आपको मल्टी आंसर में ये होगा कि आप एक या एक से ज्यादा आंसर भी ठीक हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। ठीक है, और 10 से 3 बजे का होगा, 12 जो थर्मल की आप बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ थर्मल व्यू देखना चाहते हैं, व्यूइंग करना चाहते हैं, AI फंक्शन यूज नहीं करना चाहते, तो मिनिमम आप 4 सीरीज का 4K S2 जो है आप NVR लगा सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 5 सीरीज पे सारे फंक्शन अगर AI वाले भी सपोर्ट करवाने तो 5 सीरीज का रिकमेंडेड है। ठीक है, अच्छा एग्जाम के लिए जो है जूम का ही लिंक जो है मैं रजिस्ट्रेशन ओपन करूंगा एक दफा फिर, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि रजिस्ट्रेशन मेरी कैंसिल हो गई थी, वो जूम वाली पिछली जो आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराई थी। ठीक है,
तो मैं जो है तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एग्जाम की रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन करूंगा, और ये वीडियो लिंक्स आपके पास जो है तीनों दिन का यूट्यूब के ऊपर आप जा सकते हैं। यूट्यूब में धावा टेक्निकल इंजीनियर है, धावा टेक्निकल इंजीनियर चैनल के ऊपर आप तीनों दिनों की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ubaid.masood@davatech.com, मैं जो है टाइप भी कर देता हूँ। ठीक है, 40 questions होंगे और 3 तरह के होंगे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन यानी एक आंसर होगा जिसका उसको सिलेक्ट करना होगा, मल्टी आंसर क्वेश्चन यानी एक या एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। ये याद रखे मल्टी आंसर्स में अगर चारों का जवाब आपको लगता है कि चारों ठीक है जवाब, तो आप चारों को चेक करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 3 सिलेक्ट करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 0 हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये भी आपने ख्याल रखना है, अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शन ठीक है तो चारों को सिलेक्ट करना है आपने, और एक ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे और उम्मीद है कि सारे लोग हमारे पास होंगे। और एग्जाम से 3 दिन पहले यानी 9 तारीख को जो है मैं जूम के ही रजिस्ट्रेशन जो है ओपन करूंगा, वैसे जूम की करने की जरूरत नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वही होगा यूज, आप जो है उसके अंदर आपको लिंक भी आ जाएगा कि जी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नहीं होगी एक्चुअली, मैं यहाँ पर अवेलेबल होगा, उसी लिंक के ऊपर अवेलेबल होगी हमारी टीम, अगर कोई क्वेश्चन ड्यूरिंग आपका वो 10 से 3 बजे अगर कोई आपको एग्जाम के दौरान कोई इशू आता है आप जो है वो हमसे जो है इसी लिंक के ऊपर आके बात कर सकेंगे। ठीक है, तो 3 दिन पहले जो है मैं ओपन करूंगा रजिस्ट्रेशन एग्जाम की, यानी 12 तारीख हमारी जो है वो है एग्जाम की, और 9 तारीख को एग्जाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है, लाजमी है रजिस्ट्रेशन, उसके बगैर आपको ईमेल के ऊपर एग्जाम का ऑनलाइन लिंक नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और पासिंग के ऊपर ही आपको जो है आपके ईमेल के ऊपर लिंक आ जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा धावा की वेबसाइट का, तो वहां से आप जो है अपने सर्टिफिकेट्स देख सकेंगे एसएमबी सॉल्यूशन के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया, 3 दिन आपने हमारे साथ जो है मेहनत की, हमने भी मेहनत कोशिश की है कि आपको नई चीजें बताएं, अच्छी चीजें बताएं, और जिनका ट्रेंड पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर हमने बात की है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है और कोई सवाल है तो अब जो है आप माइक अपना इनेबल कर सकते हैं और आके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं।